नमस्कार दोस्तों, ये आपका यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है 2012 का। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने कहा था कि मैं लास्ट 10 साल के पुराने क्वेश्चंस पेपर जो आपके हैं, प्रीलिम्स का पहला पेपर, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और इतने इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उनकी हम लोग विस्तार से व्याख्या भी करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं अगली बार रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, हो सकता है कि आपका क्वेश्चंस बदल दें, लेकिन आप देखेंगे उसकी व्याख्या में आपको हो सकता है कि आपको उसका आंसर मिल जाए। तो इस पर हम लोग बात विस्तार से करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होता है प्रीलिम्स का, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जो आपका दूसरा पेपर होता है जिसे आप लोग सी सेट कहते हैं, ये आपका केवल पासिंग नंबर चाहिए होते हैं आपको, यानी कि आप कहिए कि 200 नंबर में से आपको 33% नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आराम से आप नंबर भी ले आते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग है दोनों पेपर में। प्रीलिम्स में आपकी माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग कहने का मतलब है कि अगर आप लोग गलत आंसर देते हैं तो उसका आपको कुछ भुगतान भी करना पड़ेगा। कितना भुगतान करना पड़ेगा? अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उसके एवज में आपका एक जो सही आप लोगों ने किया होगा उसके अंक काट लिए जाएंगे। तो ये भी आप लोग याद रखिए, यहाँ तुक्का का काम नहीं चलता है। लेकिन फिर हाल आप लोग कुछ अगर पॉइंट आपको नहीं आ रहे हैं तब आप लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, मेरा ऐसा मानना है कि इस क्लास में तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस आपके देखेंगे क्रम बाई क्रम, लेकिन परीक्षा हॉल में आप लोगों को सबसे पहले वही क्वेश्चंस करना है जिनके आंसर आप लोगों को आ रहे हो। और जिस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हो या ज्यादा टाइम देने की जरूरत हो उसे, तो उसे आप लोग लास्ट में किया करिएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन से सॉल्व कर दे कोई, इतनी महारत तो कोई नहीं हासिल किए हुए होगा। ठीक है, और भी आपके दिमाग में अगर सिविल सर्विस से संबंधित कोई सवाल है तो आप लोग उनके जो क्लासें हमने ली हुई हैं उन्हें जरूर देख लें। इसके लिए आपकी एक प्लेलिस्ट सूची ही बना दी गई सिविल सेवा परीक्षा के नाम से। इसमें जाकर आपके दिमाग में जो भी सवाल होंगे, आईएएस यानी कि यूपीएससी से संबंधित जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उन सब के जवाब मुझे लगता है कि मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो फिलहाल आप लोग फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में बोलिएगा, वो कमेंट में भी देख लेंगे। और आपके मुझे मालूम नहीं होगा तो कहीं से ढूंढ के लाएंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और आप सभी को मालूम भी है, क्या मालूम है, कि इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और 200 नंबर का रहता है और 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, सभी क्वेश्चंस पेपर डाल दिए गए आपके, चाहे वो आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, तो इन्हें वहां से आप लोग डाउनलोड करके रख भी सकते हैं अपने पास। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका यानी कि क्या शक्ति थी? ये क्या पूछ रहा है? ग्राम सभा की शक्तियों की बात कर रहा है कि ग्राम सभा की शक्तियां क्या थी, बताइए। इसमें पहला तो आपका पूछ रहा है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक बात और आपको बता दूं, इस लाइन को जरूर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि इस लाइन की वजह से आते हुए क्वेश्चंस का आंसर गलत कर बैठते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अगर यहां लिखा होता कि सही नहीं है तो आप तो देखते कि इसका आंसर ही बदल जाता। और यहां क्या पूछा है, ऊपर जो कथन दिए गए इनमें से सही कथन कौन सा है, आपको क्या बताना है, सही कथन चुनना है।
बताइए सही कथन क्या होगा? तो इसमें आपको बताऊं कि इसमें तीनों आपके कथन बिल्कुल सही है। तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी, यानी कि इसकी स्थापना, ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 40 में आप देखते हैं कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। जो आप लोग भाग चार में नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। और आप सोचिए कि अगर गांधी जी इसके पक्ष में बहुत ज्यादा थे, और आप सोचेंगे कि अगर कुछ समय तक गांधी जी और जिंदा रहते तो पंचायतों को संविधान में जगह 1950 में ही मिल गई होती, जो आगे चल के आप देखते हैं कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संविधान में जगह दी जाती है। पंचायतों की बात कर लीजिए, स्थानीय, फिर चाहे आपकी नगर निगम, नगर पंचायत, इस तरह की, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन आप सभी जानते हैं, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि भाग 9 जोड़ा गया था, समझ रहे हैं? और वैसे आपको बता दूं कि पंचायतों से संबंधित आपकी एक समिति के बारे में भी काफी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। और इसी के आधार पर आपने देखा होगा, इसी की सिफारिश पर सबसे पहले आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ भी हुआ था। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे कई बार आपका वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया गया, 2 अक्टूबर 1959 को कहां, राजस्थान के नागौर से पंचायती राज प्रणाली आरंभ हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है? भारतीय संसद में, संसद का मतलब होता है, आप देखते हैं कि आपकी लोकसभा होती है, राज्यसभा भी होती है, समझ रहे हैं? तो उसी की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगन हेतु, बताइए इनमें से चार में से ऑप्शन कौन सा सही है आपका? आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य रहता है आखिर? तो आप सभी जानते हैं कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, और संसदीय कार्य संचालन नियम के अनुसार आप देखते हैं स्थगन प्रस्ताव किसी सदस्य का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए लाया जाता है, और जिस विषय पर आप देखेंगे तत्काल विचार ना किए जाने की घातक परिणाम हो सकते हैं, यानी कि सबसे जरूरी जो विषय हो, अगर उस विषय पर अगर आप सोचिए चर्चा नहीं हुई तो नुकसान हो सकता है, ये भी आपको याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा, क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? पहला कथन इसमें पूछ रहा है एनबीए यानी कि जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव चोरी को रोकता है और तथा देशी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा कथन इसमें कह रहा है एनबीए कृषि पादपों के अनुवांशिक संशोधन पर बल चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तीसरा कथन पूछ रहा है कि एनबीए की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक जैव संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, और इसमें आपसे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चुनना है, तो बताइए सही कथन क्या होगा इसमें लगाओगे? सही कथन बताना है आपको। सही कथन कौन सा होगा? तो इसमें आपके तीनों सही होंगे, क्या होंगे? तीनों सही बिल्कुल होंगे।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण के लिए चोरी रोकता है और आप देखेंगे देसी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है और कृषि पादपों के अनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैधानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर भी करता है और उसका निरीक्षण भी करता है और एनवीए की अनुशंसा के बिना बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन भी नहीं किया जा सकता है। तो इसकी आप देखिए कि इसकी अनुशंसा जरूरी हुई होती है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, तब देखिए आप लोग मिलाकर एक तरह से तो और भी मुझे लगता है फायदा होगा इसका। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ हुआ था या हुए थे, बताइए। इसमें भी बताइए आप लोग क्या पूछ रहा है। भारत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। इसमें पहला कथन क्या कह रहा है आपका, पहला कथन कह रहा है आपसे कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूप और अनुच्छेद 243 एक के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। इन तीन कथन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है आपको। ये तीनों कथन में से कौन सा कथन, कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें आप देखेंगे एक कथन केवल आपका सही है, बाकी दो और तीन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार आता है और बढ़ते जलवायु संकट के दौर में अलग अलग हिस्सों में स्थापित करने की योजना को घोषणा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना एक तरह से उसी के अनुरूप हुई थी, तो अनुच्छेद 21 के तहत। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और वैसे भी आप देखते हैं कि आपकी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है अनुच्छेद 21 से। एक क्वेश्चन आपका आया था कि वो लव मैरिज या मन से अपने मतलब शादी करने के का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आपको मिला हुआ है, तो आर्टिकल 21 समझ रहे हैं। और 21 का में आपने देखा होगा कि शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने पांच, क्या कह रहा है पांच क्वेश्चन। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णता लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इनका कहना है कि यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णता लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप समझिए कि कोई भी मिशन लाइए, चाहे नीति लाइए, योजना लाइए, अगर वो सही ढंग से लागू नहीं होता है तो उसे लाने का कोई उद्देश्य भी नहीं होता है। तो इसमें आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। तीसरा कथन इसमें कह रहा है कि हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीप भारतीयों की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। और चौथा इसमें कह रहा है सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर बहन किए गए व्यय की पूरी तरह पीति पूर्ति करेगी। इन चार में से आपको बताना है, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर क्या करना है, चुनना है आपको। कैसे चुनेंगे आप, तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका इसमें एक आपका कथन बिल्कुल सही है और दो कथन बिल्कुल सही है, बाकी तीन और चार गलत है। आपने देखा होगा कि 2011 2012 के हिसाब से पेपर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया और जिसमें आपने देखा कि पैमानों और अनुकूलन दोनों उपाय किए। आठ राष्ट्रीय मिशन जो NAPCC का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा कि बहुआयामी देख औद्योगिक और समन्वित कार्य नीतियों का देखा गया इसमें। और आप देखेंगे इसमें कि सरकार ने आठ महत्वपूर्ण मिशनों की घोषणा की थी, जिनमें आप देखेंगे आपका राष्ट्रीय जल मिशन भी शामिल था इसमें। इसमें आप देखेंगे जल संरक्षण की बात हो, न्यूनतम अपव्यय की बात हो, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर अधिक समान संवितरण सुनिश्चित करने की बात हो, इन सब की बात की गई थी। इसका उद्देश्य एक तरह से आप कह सकते हैं कि यही था। तो शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी और ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त विकल्प स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सके। तो इसमें आपका एक कथन भी सही है, दो कथन भी सही है, लेकिन तीन और चार बिल्कुल आपका गलत है। तो इसमें आपका क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल आपका सही होगा। पांच में बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवे की तरफ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर छह? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निदेशक तथ्यों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। किस तरह से विचार करोगे ये भी बता दीजिए। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर आपको विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, आर्टिकल 40 की बात कर रहे हैं। तीसरा कथन इसमें कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना और सभी कर्मगारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में प्रतिबिंबित होते हैं? बताइए, गांधीवादी सिद्धांत भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुख्य परीक्षा में विस्तार से आप लोग पढ़ते हैं इसे। तो इसमें बता दूं आपको, एक तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने ग्राम पंचायतों के गठन पर सबसे ज्यादा एक तरह से जोर दिया था। तो इसमें आपका दो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? दो बिल्कुल सही होगा। और एक आपने देखा होगा इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो भाग चार में आप देखते हैं ना, उसी की बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 40 की बात कर लीजिए जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात भी करता है आपकी, तो ये भी याद रखिए। आपने ये भी देखा होगा कि नेहरू भारी मशीन वाले उद्योगों के समर्थन में रहते थे, वही गांधी जी आप कहते थे कि जो उनका कुटीर उद्योग है उसी से देश का भला हो सकता है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने से सात, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है और निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है और भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देव क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? लेकिन आप सभी जानते हैं कि तीनों कथन आपकी बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि आपने देखा है कि संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है। अगर हम लोग वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से देखें तब भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा की बात की गई, पुडुचेरी में पहले से ही भी आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है और आपकी विधानसभा की व्यवस्था की गई,
और आप देखते हैं कि आपकी जो आपका दिल्ली है, यहाँ भी आप देखते हैं कि विधायक विधानसभा की व्यवस्था की गई है। और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में जैसे ये विधानसभा है आपकी, तो आपको ये भी मालूम होगा कि विधानसभा है तो यहाँ से आपका राज्यसभा सदस्य भी तो निकलेगा। उसमें आप जानते हैं कि संसद में एक नाम आप लोग सुनते होंगे, जोरों शोरों से बोलता भी है वो व्यक्ति, संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। तो यहां से पहला तो आपका बिल्कुल कथन गलत हो गया, नहीं होता है, और आपको मालूम है कि होता है। फिर आप देखेंगे निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों से एक तरह से आपका इस तरह का कोई मामला होता है तो उच्च न्यायालय फिर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरे में भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 79 क्या कहता है कि आपकी संसद के तीन भाग होते हैं, जिसमें आप लोग राष्ट्रपति देखेंगे, राज्यसभा आप देखेंगे और लोकसभा देखेंगे। तो ये तीनों कथन आपके बिल्कुल गलत हैं। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? कोई नहीं। क्या पूछा है? सही कथन पूछा था, लेकिन आपने देखा कोई भी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। उपभोक्ता की डेथ यानी कि मौत हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकार उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। और निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। बताइए कौन सा चुनेंगे? उपभोक्ता का मतलब होता है कि हम आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उपभोक्ता ही तो कहलाएंगे। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? तो इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसमें एक तो आपका दूसरा सही है और एक तीसरा सही है। क्या है? दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत आप देखेंगे उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेष अधिकारों के संदर्भ में कंज्यूमर फोरम का गठन किया गया है, और जो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा भी करता है। फोरम में आपने देखा होगा कि उपभोक्ता द्वारा एक सामान प्रतिवेदन देने मात्र से ही दुकानदार कंपनी के खिलाफ सुनवाई पर आरंभ कर दी जाती है। और इसमें आप देखेंगे कि उसे अगर किसी ने गड़बड़ की हुई है, मिलावट की हुई है, तो सजा का भी प्रावधान है। आपने देखा है कि नया भी आपका उपभोक्ता अधिकार अधिनियम आया हुआ है, तो उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आप लोग तो इसमें आपका क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि दो और तीन कथन बिल्कुल सही होगा। दो तीन कथन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष देखते हैं आप लोग, अभी अगर हम लोग बात करें यानी कि 2021 में, तो आप सभी जानते हैं कि ओम बिरला साहब हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा कथन कह रहा है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इन तीन में से सही कौन सा कथन है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कि तीसरा कथन बिल्कुल सही है, एक दो बिल्कुल गलत है।
अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को अगर अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो अपना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता लोकसभा अध्यक्ष, बल्कि वह सदन के एक सामान्य सदस्य के रूप में लोकसभा में, आप देखते हैं, आप लोग लोकसभा सदस्य को भी तो चुनते होंगे, तो सदस्य के रूप में ही एक तरह से अपनी शपथ ले लेता है। और लोकसभा अध्यक्ष एक बार अगर बन जाता है, चुन लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिए, लोकसभा सदस्य के बीच में से ही चुना जाता है, तो उसके बाद वो चुनने के बाद आप देखेंगे कि आगामी यानी कि आने वाली लोकसभा के गठन के बाद, उसके प्रथम अधिवेशन के पूर्व तक वह अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। और इस तरह आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विघटन के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष पर अपना अपने पद पर बना रहता है। लेकिन निम्नलिखित स्थितियों में आप देखेंगे पद से मुक्त भी होता है, हट भी सकता है। कौन कौन सी परिस्थिति है? यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि लोकसभा सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है, समझ रहे हैं? और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में तो आप लोग बन सकते हैं बिना लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हुए बिना भी। अगर आप लोग प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं और आप लोग लोकसभा सदस्य की या राज्यसभा सदस्य के सदस्य नहीं है, तो आपको आने वाले 6 महीने के भीतर किसी भी सदन से सदस्य बनना अनिवार्य होता है। लेकिन लोकसभा के मामले में ऐसा नहीं है, अगर आप सदस्य ही हैं तभी आप लोग लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। और आप देखेंगे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत पारित करने के भी इसे हटाया जा सकता है, किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? तीसरा केवल आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? पहला कथन कह रहा है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा कथन कह रहा है आपसे संसद में किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत सरकार और किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। या फिर चौथा कथन कह रहा है दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। इन सभी कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। बताइए सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? क्या सही उत्तर कौन सा होगा? चार कथन में से आपके सही कौन सा होगा? तो एक तो आप देखेंगे आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, और एक आपका चार ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। क्या है? गलत है। भारतीय संविधान में आप देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की दो प्रकार की अधिकारिता की बात की गई है। एक तो आप देखेंगे अपीली अधिकारिता, और दूसरी देखते हैं आप लोग मौलिक अधिकारिता या फिर आरंभिक अधिकारिता भी कहते हैं आप लोग। अगर हम आपसे अखिल अधिकारिता की बात करें यानी कि अपील अधिकारिता की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे भारत के किसी उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए सिविल, दंडिक या अन्य कार्रवाइयों में निर्णय उनने जो भी दिए इस तरह के मामलों में, या फिर डिक्कियों या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि आपके उत्तर प्रदेश के, यहाँ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उसकी आप देखें कि उसकी अंतिम अपील कहाँ होगी, अंतिम आदेश की, जो भी आदेश दिया है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। और यदि आप देखें वह उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त मामले में विधि का कोई तात्विक प्रश्न अंतर्निहित ही नहीं है, तो अपील करता यह अपील करता है कि उक्त तात्विक प्रश्न का गलत विनिश्चित किया गया है, ये आर्टिकल 132 कहता है सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी आप देखते हैं आरंभिक अधिकारिता का, कि एक तरह से ये भी आपका अधिकारिता होती है, आरंभिक अधिकारिता। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कुछ मामलों की सुनवाई का अधिकार सीधे एवं केवल उच्चतम न्यायालय के पास ही होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है, वही इन्हें हल कर सकता है।
ऐसे मामले में आप देखें कि जो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई अगर झगड़ा विवाद चल रहा है तो आप देखेंगे इसका कौन करेगा निपटारा? सुप्रीम कोर्ट। आप सोचिए कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई झगड़ा चल रहा है तो क्या उसका निपटारा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट कर पाएगा? आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा दोनों राज्यों को, तो ये भी मालूम हो ये। या फिर आपका जहाँ एक और भारत सरकार हो या दूसरी ओर आप देखें एक अथवा अधिक राज्यों, तो इस मामले में भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। या फिर आप देखें दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी तरह का विवाद हो तभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं रेड़े दे पाएंगे। या फिर आप देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव, इससे संबंधित कोई विवाद हो तो इसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। चलिए तो इसे भी आप लोग याद रखिए, इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 11। निम्नलिखित जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही तो करना है, करिए विचार। क्या कह रहा है इसमें? जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी, किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़क नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, इनमें से आपको बताना है। बताइए कौन का किया जाता है? तो इसमें आप देखेंगे कि तीनों का किया जाता है। आप लोगों ने जेनेरिक दवाइयां सुनी होंगी, जेनेरिक दवाओं, इसमें आप देखेंगे जीवाणु हो, कवक हो या फिर पुष्पीय पादप हो, इनकी कुछ जातियों का प्रयोग आप देखेंगे जैव पीड़क नाशियों के रूप में किया जाता है। तो इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 12। क्या पूछ रहा है 12 क्वेश्चंस? जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा का संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है, इस संदर्भ में कौन से कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है। पहला तो कह रहा है आपसे नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीसरा कह रहा है जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। ये तीन में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो इसमें आप देखेंगे केवल आपका एक कथन सही है। सतत जैविक ऊर्जा विकास कार्यक्रम में आप देखेंगे गोबर गैस, गोबर गैस देखते हैं ना, फिर आपकी अपशिष्ट ऊर्जा तकनीक के साथ साथ आप देखते हैं जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी, इन सब का उपयोग किया जाता है, जिससे आप देखेंगे सतत आर्थिक विकास के साथ साथ आपको पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को कितना नुकसान हम पहुंचा चुके हैं। तो इसमें केवल आपका एक ही कथन बिल्कुल सही होगा, तो इसमें क्या लगाओगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ए ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका रहती है? इसमें पहला कह रहा है यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय यानी कि नष्ट कर देती है। दूसरा कह रहा है यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। तीसरा कह रहा है यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है और आचिलता। आविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। उपयुक्त में से आपको सही कथन चुनना है, तीन में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो आपको बता दूं ये केवल यह जल में उपस्थित नुकसानदेह जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना इन्हें नष्ट करती है यानी कि निष्क्रिय कर देती है। इसमें केवल आपका एक ऑप्शन सही होगा और बाकी आपके दोनों गलत हैं। क्या है? बिल्कुल दोनों गलत हैं। अगर आपके यहाँ इस तरह का नुकसानदेह कोई सूक्ष्म जीव जल में है तो उन्हें नष्ट किया जा सकता है, इसलिए।
तो इसमें केवल आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 13 में। ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 14। ग्राफीन आजकल प्रयास सुर्खियों में यानी कि समाचारों में चर्चा में रहता है, इसका महत्व क्या है? आप सोचिए, इसका महत्व होगा तभी तो चर्चा में है। इसमें पहला कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि वह एक द्वि आयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। दूसरा कथन कह रहा है कि वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। तीसरा कह रहा है कि यह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चासू पारदर्शिता उच्च होती है। तीसरा चौथा कह रहा है कि उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। बताइए सही कथन क्या चुनोगे आप लोग? तो आप देखेंगे कि इसमें आपका एक आपका बिल्कुल सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही होगा और एक आपका चार बिल्कुल सही होगा, तीसरा आपका गलत होगा। ग्राफीन जब आपने देखा होगा सबसे पहले चर्चा में तब आया था जब रूसी मूल के दो वैज्ञानिकों, एक का नाम था आंद्रोजीन और दूसरा का था कॉन्स्टांटिन नोवोसिलोव। इन्होंने दोनों ने आप देखेंगे भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसमें। और ग्राफीन दो आयामी कार्बन के कण हैं, ये इतने पतले हैं कि इनकी मोटाई एक अणु के बराबर ही होती है और यह सबसे नया पतला और मजबूत तत्व भी है। क्या ग्राफीन? ऐसे में आप देखें कि क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देता है और वैज्ञानिक जीम और नोवोसिलोव की जोड़ी ने पेंसिल की नोक पर टैब चिपकाकर ग्रेफाइट से ग्राफीन को अलग किया था और फिर अपने प्रयोग के विज्ञान प्रयोग किया था। और इसी के लिए आप देखेंगे उन्हें 2010 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इसके अगर हम लोग उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रांजिस्टर हो गए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, टच स्क्रीन लाइट, सोलर पैनल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा ये क्षमता वाला भी होता है ग्राफीन। तो इसमें आपकी क्या लगाएंगे? एक दो और चार, एक दो चार यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 15। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अवशेषी शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं? यानी कि कहने का मतलब है कि शीशा कहाँ से उत्पन्न होता है? अब पहले तो आप देखते थे कि पेट्रोल में रहता था, लेकिन पेट्रोल में बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ये रहता है, तो कहाँ से रहता है ये बताना है आपको। पिघलन निकायों से, पेन और पेंसिल से, पेंट से, और चौथा इसमें कह रहा है केश तेल और प्रसाधन सामग्रियों से। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आप देखेंगे इसमें पिघलन इकाइयों से और एक आपका पैंट से, यानी कि एक और तीन बिल्कुल सही है इसमें। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? एक तीन यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 15 में बी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्या कह रहा है? सही है। कौन से कथन सही है बताइए। पहला, इसमें स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। और इनके आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है, इनमें से सही कौन सा हो सकता है। तो एक तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है
और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेम सेल्स यानी स्टेम कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो का एक महत्वपूर्ण अवयव है जो रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। लेकिन आप देखेंगे स्टेम सेल को कोई विशिष्ट कोशिका उत्पन्न के लिए निर्देश देना आसान नहीं होता है, और किसी क्षतिग्रस्त अंग की मरम्मत करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कोशिकाएं तभी उत्पन्न हो पाएंगी जब उसके लिए निर्धारित स्टेम कोशिकाएं ही उनका उत्पादन करें। और स्टेम कोशिकाओं से आप देखेंगे सेल से आप नई औषधियों को परखने के लिए या चिकित्सा थेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है, और आप देखेंगे नई नई तकनीकी हो रही हैं। एक समय आप समझते थे कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, आज आप देखिए। तो इसमें आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हिरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उनका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो एक तो आप देखेंगे इसका उपयोग सुघट्य फॉर्म के निर्माण में होता है, एक आप देखेंगे ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में भी होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में भी इसका उपयोग होता है, एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग होता है। उपयुक्त में से सही कथन आपको चुनना है, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो एक तो आप देखेंगे सुघट्य फॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग होता है, एक आप देखेंगे कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में भी होता है, और एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ट्यूबलेस टायरों में के निर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो 1, 3, 4 बिल्कुल सही है, 1, 3, 4। जैसे आप लोग क्लोरो क्लोरो कार्बन को CFC भी कहते हैं, समझ रहे हैं? इसका प्रयोग आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो इसमें आपका 1, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 18, क्या पूछ रहा है 18? ब्रॉक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हेलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंट्री द्रव उत्पन्न किया, और एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या क्या विवेक्षाएं थी? तो इसमें कौन कौन सी विवेक्षाएं थी? 3 ऑप्शन आपके दिए गए सामने। पहला कह रहा है यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा, यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। तीसरा कह रहा है कि यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। इन 3 में से आपको सही चुनना है, क्या चुनना है? सही बताना है आपको। 18 में कौन सा लगाओगे? 18 में कौन सा लगाओगे? तो 18 में याद रखिए आपका एक तो आपका दूसरा सही है और तीसरा सही है, पहला आपका बिल्कुल कथन गलत है। ब्रूक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल में आप देखें कि कुछ भारतीय भी वैज्ञानिक भी शामिल थे। इसमें आप देखेंगे एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया गया था, और इसके उपयोग अगर यानी कि उद्देश्य की हम लोग बात करें तो एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं में समय होने की संभावना की जांच भी हो सकती है, और ब्रह्मांड के विकास को समझना भी आसान हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका कथन बिल्कुल सही होगा, 2, 3 कथन बिल्कुल सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे? 19 19 कह रहा है कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में बताते हैं? इसमें 4 कथन दिए गए। पहला कह रहा है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, दूसरा कह रहा है कि अंतरिक्ष में रेंड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, तीसरा कह रहा है कि अंतरिक्ष के में क्षुद्र ग्रहों की गति, और 4th नंबर का कथन कह रहा है कि अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना।
इन सभी के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर बताना है। तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आपका एक कथन बिल्कुल सही रहेगा और दूसरा बिल्कुल सही रहेगा। एक तो आप देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अगर आपसे बात की जाए ब्रह्मांड के विकास की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बिग बैंग। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो आरंभ में परमाणु से ही छोटा एक अति उष्णकटिबंध था, जो बाद में आप देखते हैं कि ठंडा होने पर फुटबॉल, फुटबॉल देखिए उसके आकार में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें आप देखेंगे अचानक से एक महाविस्फोट होता है, और इस प्रकार आप देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और इसका विस्तार होता जाता है। और इसमें आप देखेंगे जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा तो इसमें विकिरण का ताप गिरने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। महाविस्फोटक भी आप लोगों ने सुना होगा, तो इसी तरह से इसका निर्माण भी होता है, बिग बैंग थ्योरी, इसे भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है आपके सामने 20, क्या कह रहा है क्वेश्चंस? अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर से प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते कर रहे विद्युत आवेशीकरण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? बताइए किस कारण से नहीं पहुंच पाते हैं, अगर पहुंच जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। बी कह रहा है पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत इन्हें ब्रह्मा बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। सी कह रहा है इसमें वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती है। और डी कह रहा है इसमें उपयुक्त कथनों ये भी सी में से कोई सही नहीं है। अब बताइए सही है या नहीं है, आप ही बता सकते हैं सही है या नहीं। तो इसमें आपका ए बिल्कुल सही है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है जिससे धरातल तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम नुकसान से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 21, क्वेश्चंस 21 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 21 कह रहा है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है आपसे कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल औजारों का उपयोग आम था। दूसरा कह रहा है तीसरी शती ईस्वी में के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो शुरू हो चुका था। तीसरा कथन कह रहा है कि 5वीं शती ईस्वी में कौन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा कथन कह रहा है कि 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। बताइए इनमें से कौन सा सही है? क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है आपसे, इन चार में से आपको सही चुनना है कौन सा सही है। तो एक तो आप देखेंगे इसमें एक आपका कथन बिल्कुल सही है, फिर आप देखेंगे कि तीसरा कथन बिल्कुल सही है और चौथा कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कैसा है? गलत है। प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सेल औजारों का उपयोग आम बात थी। और 5वीं सदी में आप देखेंगे कौन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। और 7वीं सदी में आप देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। समझ रहे हैं? तो आप समझिए कि हमारा देश प्राचीन काल से ही महान रहा है, बहुत आगे रहा है, लेकिन अब अलग बात है कि अब हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला कथन कह रहा है तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा कथन कह रहा है वेद ग्रामन के पिति अनास्था। तीसरा कह रहा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। आप सभी जानते हैं कि जो
जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है। अहिंसा की बात आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगी, जिस सिद्धांत की गांधी जी बात करते हैं ना, आप सोचिए बहुत पहले से हमारे यहाँ आ चुका था ये। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही रहेगा आपका? एक दो तीन, इनमें से आपका कौन सही रहेगा? तो इसमें आप देखेंगे आपका दो कथन बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल सही है, एक आपका गलत है। अगर हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूपों की बात करें तो विभिन्न बातों में आप देखेंगे ये दोनों समान थे। दोनों ही आप देखेंगे अनेश्वरवादी थे, दोनों ही वैदिक यज्ञ विधान तथा कर्म कांडों का विरोध करते थे। और आप सभी जानते हैं कि आगे चलकर कर्म कांड लोग इस तरह के धर्म में मानने लगे, इसलिए इनका प्रभाव कम हो गया था। दोनों ही धर्मों में आप देखेंगे उपदेश जनभाषा प्राकृत और पाली में देते थे, यानी कि सीधी से सादी जो आम मानस की भाषा होती थी उसी में अपने उपदेश देते थे। इससे क्या रहेगा कि आप समझिए कि सभी लोग आसानी से समझ सकें उस समय। अब आप सोचिए कि जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती हो वहां जाकर आप अपनी भाषा, कोई भी प्रवचन देना है या कोई बात कहनी है तो आप इंग्लिश का उपयोग करेंगे, किसी को समझ में ही नहीं आएगा और आप समझा ही नहीं पाएंगे। और दोनों ही धर्म में आप देखेंगे जाति प्रथा निषेध दोनों धर्मों में स्वीकारा गया। दोनों धर्मों के प्रवर्तक आप देखेंगे क्षेत्रीय थे, छुआछूत हो ऊंच नीच हो इसका विरोध किया गया था दोनों में। संसार और कर्म का वैदिक सिद्धांत आमान्य था दोनों धर्मों में, चाहे आपका बुद्ध धर्म हो या जैन धर्म। इसमें आप देखेंगे सदा पवित्र जीवन का प्रावधान था दोनों धर्मों में, और तप और भोग की अति का परिहार आप देखेंगे जैन धर्म स्वीकार करता था लेकिन आपका जो बुद्ध धर्म था ये स्वीकार नहीं करता था। इसमें आपका दो और तीन कथन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है इन्हें आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा। हम लोगों ने काफी एनसीईआरटी खत्म की तब भी बात की हुई है और वैसे भी आपकी क्लासें ली हुई है तब भी आप लोगों की बात की हुई है इस पर, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी प्रीलिम्स में हमेशा आते रहते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। आगे देखेंगे आप लोग 23 क्वेश्चंस। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? तो इसमें आपके चार कथन दिए गए, आपको इसमें से बताना है चार में से। पहला कह रहा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। दूसरा कह रहा है सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। तीसरा कह रहा है जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। और क्वेश्चन नंबर इसमें आपका कथन चार क्या कह रहा है, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। इनके आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर इसमें क्या होगा? तो इसमें आप देखेंगे आपका दो कथन बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है और इसमें आपका चौथा भी बिल्कुल सही है। समावेशी शासन से मतलब ही यही होता है कि शासन का विकेंद्रीकरण स्वरूप, यानी कि बटा हो एक तरह से सभी तक पहुंचो, जिसमें आप देखेंगे पिछड़े लोगों या क्षेत्रों की प्रति पूर्वाग्रह शासन प्रणाली मुख्य आधार होती है। इसमें निहित प्रावधान के अंतर्गत आप देखेंगे सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। इसका मूल अगर बाकी की हम लोग बात करें, लोगों के साथ शासन ना कि लोगों के लिए शासन, लोगों के साथ शासन की बात करता है। तो इसमें आपका क्या होगा, दो तीन चार, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 24, नागर द्राविड और वेसर ये क्या है? बताइए ये क्या है? ये तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा क्या है ये। भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जातीय समूह हैं, तीन मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियां हैं, या फिर आपकी भारत में पिछले तीन मुख्य संगीत घराने हैं। ये तो आप जानते हैं कि आपके भारतीय मंदिर है ना, इनकी तीन प्रमुख शैलियां हैं, नांगर शैली हो, द्रावण शैली हो, बेसर शैली हो। आर्ट एंड कल्चर में आप लोग विस्तार से पढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर हम आपसे नांगर शैली के बारे में बात करें तो
तो आप सभी जानते हैं कि जो उत्तरी भारत में आपके हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश तक जो आपके मंदिर बने हुए हैं, ये आपकी नागर शैली में ही बने हुए हैं। इसकी एक विशेषता भी बता देता हूं कि मंदिर का जो आधार होता है ना, वो चतुष्कोणीय होता है, वर्गाकार, और शिखर वक्र होता है। वहीं अगर हम लोग द्रविड़ शैली की बात करें तो कृष्णा नदी से लेकर कृष्णा तथा कुमारी अंतरीप तमिलनाडु के मध्य जो भी आपके मंदिर बने हुए हैं, ये आपकी द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इस शैली में आप देखेंगे मंदिर का जो आधार होता है ये आयताकार होता है, और शिखर इसका पैरामिड नुमा होता है, और मंदिर शैली में अनेक खंड, गुम्बदाकार, स्तूपिका, प्रदक्षिणापथ, ये सभी इसमें होते हैं। और इस शैली में आप देखें गोपुरम भी, अर्थात मुख्य द्वार पर इन मंदिरों की विशेषताएं भी देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम लोग बेसर शैली की बात करें, बेसर शैली की, तो इसे चालुक्य शैली के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये आपका विंध्य पर्वतमालाओं से कृष्णा नदी के बीच जो भी मंदिर हैं इसी शैली में बने हुए हैं। और याद रखिए इस शैली को, बेसर शैली को आप देखेंगे नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित झलक देखने को मिलेगी इसमें, रूप माना जाता है। ठीक है, तो ये मंदिरों की एक तरह से शैली है। क्वेश्चन है हमारे सामने 25। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्यों क्यों दिया था बताइए, क्यों दिया था? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वामपंथी के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, और सी कह रहा है कि उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, और डी कह रहा है इसमें उपयुक्त कथनों में से ए भी सी में से कोई भी सही नहीं है। बताइए क्यों दिया था इन्होंने इस्तीफा, यानी कि त्यागपत्र। तो आप सभी जानेंगे कि ये चारों आपके तीनों बिल्कुल गलत हैं, यानी कि इसमें डी होगा। लेकिन डी क्यों होगा, आप सभी जानते हैं कि आपका 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, और आप देखते हैं कि कांग्रेस की उसमें एक तरह से कुछ पूछा ही नहीं जाता है, और भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया जाता है, वैसे ही कि एक तरह से गुस्सा में आप कह सकते हैं। 1 सितंबर 1939 को आप सभी को मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, और उस समय के जो वायसराय थे लिनलेट, वो इन्होंने प्रांतीय मंत्रिमंडल या किसी भारतीय नेता की सलाह भी नहीं ली, और कह दिया कि भारत को ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ना है, और शुरू भी कर दिया। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी, और कांग्रेस उपनिवेशिक स्वराज्य युद्ध उपरांत की ब्रिटिश घोषणा से असंतुष्ट था। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 1939 को 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, और मुस्लिम लीग ने आप देखेंगे इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया था। तो याद रखिए 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, उसका कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना पूछे बिना सलाह किए भारतीयों को शामिल करने के कारण। ठीक है, इसमें आपका डी रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 26। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला कथन कह रहा है इसमें स्त्रियों को पेशापूर्व देखभाल की जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, तीसरा कह रहा है कि पोषण प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, बच्चे का पेशाव कराना। इन चार में से आपको सही आंसर चुनना है, कौन कौन से कथन सही है बताइए, 26 में क्या लगाओगे? तो इसमें आप देखेंगे तीनों, एक कथन बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन चौथा इसमें बिल्कुल गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये योजना कब शुरू हुई थी, 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। इसमें आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की यह प्रमुख योजना थी, यानी कि केंद्र सरकार की योजना थी,
और इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य यही था कि सामुदायिक स्वायत्त की विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ग्रामीण प्रणाली विकसित करना, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली वहनीय और जवाबदेही वाली गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित थी। और इसमें आप देखेंगे स्त्रियों को पेशाकूट देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं केंद्र साथ मतलब उपलब्ध कराना, उनके साथ जाना, या फिर आप देखेंगे गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, पोषण एवं प्रतिरक्षण की विषय में सूचना देना, इसी इसका उद्देश्य था। अभी भी तो आप देखते हैं आशा के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 27। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? 1919 के जो अधिनियम पारित हुआ था अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी? पहला कथन है इसमें प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा कथन कह रहा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा कथन कह रहा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। इनके आधार पर आपको सही आंसर बताना है, कौन सा सही होगा इसमें 27 में। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका एक कथन बिल्कुल सही है और तीन कथन बिल्कुल सही है, दूसरा आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखेंगे 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, जबकि आप जो मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की मंडलों की व्यवस्था की बात करते हैं ना, ये 1909 के शासन अधिनियम में दे दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में दे दी गई थी, और बाकी ये दोनों विशेषताएं आप देखेंगे 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके अंतर्गत इसकी विशेषताएं थी। 1-3 यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? इसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था बताओ। पहला कथन कह रहा है बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। बी ऑप्शन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी और इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि बहराम जी मालावारी और एम जी रनाडे ने यह निश्चित किया था कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। डी ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त संदर्भ में विकल्प एबीसी में दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो आप देखेंगे इसमें तीनों आपकी बिल्कुल गलत है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही गलत है, यानी कि डी ऑप्शन लगाएंगे आप। लेकिन सही क्या होगा इसमें, ये भी तो होना चाहिए मालूम। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में की गई थी और आप सभी जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। तो इसकी स्थापना 1887 में बंबई एम जी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। और अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो आपका राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था इसके उद्देश्य की बात करें तो समाज में सुधार से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देना था और यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाज सुधार मंच था, यानी कि कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ था एक तरह से। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या लगाओगे? डी। क्वेश्चन है हमारे सामने 29। क्या पूछ रहा है 29? निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? और आप सभी लोगों को मालूम भी होगा
भारतीय संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है। कानून के ज्ञाता थे उस समय, सोच रहे हैं आप लोग? बताइए तो इसमें कौन कौन से थे? प्रेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है इसमें ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरा है इसमें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसमें आपसे आप देखेंगे दूसरा और तीसरे कथन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। 1924 में आप देखेंगे दलित वर्ग संस्थान की भी स्थापना बी आर अंबेडकर साहब ने की थी। किसकी? दलित वर्ग संस्थान की। 1927 में आप देखेंगे समाज समता संघ की भी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। 1932 में आप देखेंगे अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना भी भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी। और 1933 में आप देखेंगे जो अस्पृश्यता निवारण संघ था ना, इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अंबेडकर द्वारा ही की गई थी। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? दो और तीन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही है। गांधी जी हो या फिर आपके बी आर अंबेडकर साहब हो, इनसे जुड़े जितने भी संगठन हैं, जितने भी आपके इतिहास में जो भी घटना है उन्हें जरूर याद रखा करिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, समझ रहे हैं आप लोग? इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से एक बार ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने ही भाग लिया था। गांधी जी ने ना तो पहले में और ना ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने एक बार केवल भाग लिया, वो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, क्या कह रहा है? निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? राज्यसभा जानते हैं आप लोग? राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो आपके विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, 31। लोकसभा में आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे ही ज्यादा है, कितने? 80, ठीक है। और यहाँ विधानसभा से भी देख लीजिए 403 सबसे ज्यादा, विधान परिषद में आप देख लीजिए 100 सबसे ज्यादा। इसलिए आप देखते हैं एक उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है एक तरह से आपका। तो इसमें आपका पहला तो कह रहा है इसमें राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्रीय परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। बी कह रहा है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु शासन बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। सी कह रहा है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना। और डी कह रहा है चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना, चुनाव आयुक्त की संख्या, आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। इन तीन में से आपका कौन सा चार में से सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकता है कौन? राज्यसभा। और आर्टिकल 312 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राज्यसभा के पास शक्ति भी है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की, आर्टिकल 312। और जो राज्यसभा है आप सामान्यतः आप देखेंगे राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, समझ रहे हैं आप लोग? ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और आपको बताऊं, जो उपराष्ट्रपति होता है ना ये राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है और एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है, समझ रहे हैं आप लोग? 6 साल आप देखते हैं कि कार्यकाल रहता है हर सदस्य का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 31 क्या पूछ रहा है 31 क्वेश्चन? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय गरीबों के आजीविका विकल्पों को सुधार करने का किस प्रकार का प्रस्ताव करता है? तो इसमें आपका पहला कथन क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योगों तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करना। दूसरा कह रहा है कि स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करना। कृषकों को निःशुल्क बीज उर्वरक डीजल पंप सेट लघु सिंचाई संयंत्र देकर निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। इन तीन में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा ही आपका सही है। क्या है? दूसरा ही केवल सही है इसमें। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसकी शुरुआत 3 जून 2011 को की गई थी सोनिया गांधी द्वारा। कहां? राजस्थान के बांसवाड़ा ग्राम से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार हो, कौशल मजदूरी हो, ये सभी अवसर उपलब्ध कराना। गरीबों के वर्तमान आजीविका विकल्पों का विस्तार और संवर्धन करना। बाह्य रोजगार के लिए कौशल विकास उपलब्ध कराना। स्वरोजगारियों और उद्यमियों का पोषण करना। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? केवल दूसरा कथन ही सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। यूएनडीपी के समर्थन में यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? क्या कह रहा है? यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? इन तीन में से आपको बताना है। पहला कह रहा है कि पारिवारिक स्तर पर शिक्षा स्वास्थ्य संपत्ति सेवाओं से वंचन। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटी की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या चुनोगे सही? तो इसमें आप देखेंगे केवल आपका एक ऑप्शन एक कथन सही है, बाकी दो तीन गलत है। यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास नेतृत्व द्वारा जो आपकी विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसमें आप देखें गरीबी माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह गरीबों को केवल आय वंचन के रूप में ना लेकर बहुआयामी वचन खराब स्वास्थ्य कुपोषण अल्प शिक्षा कौशल अपर्याप्त जीवन निर्वाह खराब आवासीय व्यवस्था सामाजिक अपवर्जन के रूप में लेता है, यानी कि विस्तार रूप से देखता है एक तरह से। तो मेरा भी मानना है कि मूलभूत आवश्यकता जो भी मूलभूत जरूरतें हैं वो तो पूरी होनी चाहिए किसी भी कारण से, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, यही तो आप देखिए मानव पूंजी में बदलते हैं लोग किसी व्यक्ति को, लेकिन कहां पूरे हो पाते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 33। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या फिर अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं? तो ये आप देखिए करंट का एक तरह से उस समय की आपकी जो 13वें वित्त आयोग था उससे संबंधित जुड़ा हुआ है एक तरह से। तो इसमें आप देखेंगे पहला कथन क्या कह रहा है? वस्तुओं व सेवाओं पर कर यानी कि टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संचालन से समृद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना।
और इसमें आपका तीसरा है केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण करना, यानी कि उन्हें देना। इनमें से आप देखेंगे तीनों में से कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे पहला कथन केवल सही है। पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। बाकी दो और तीन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 13वीं वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था, और वित्त आयोग की व्यवस्था आप देखेंगे आर्टिकल 280 में ही है। आपका जो वित्त आयोग है ये आपका संविधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसे जगह मिली हुई है। और एक तरह से आप सामान्य शब्दों में अगर कहें तो वित्त आयोग का यही काम रहता है कि जो वित्त है इसकी व्यवस्था करना, बांटना राज्य और केंद्र के बीच। समझ रहे हैं? और आपने देखा होगा कि जो 13वां वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, और इसकी अवधि रही है 2010 से लेकर 2015 तक। और याद रखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, जो आपका रहेगा 2020 से लेकर 2025 तक। तो ये भी याद रखिएगा, वित्त आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, इस तरह की जो भी संविधानिक संस्था है आपकी, उनसे भी क्वेश्चंस काफी अच्छी संख्या में पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसमें ये केवल एक कथन था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन 34, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करना। दूसरा कह रहा है कि एकल खिड़की मंजूरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। तीसरा कह रहा है प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना करना। इनमें से आपको देखना है, सही उत्तर चुनना है। कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही है। तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। ये बात है 4 नवंबर 2011 की, और 4 नवंबर 2011 को सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति घोषित की थी, जिसमें आप देखेंगे निम्नलिखित प्रावधान रखे गए थे, और जिसका उद्देश्य ही था यही कि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करना, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना करना। और इसका उद्देश्य उस समय की बात कर रहा हूँ 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 15 से 16% से बढ़ाकर 25% करना था। और 2022 तक इसमें यह भी कहा गया था कि विनिर्माण क्षेत्र द्वारा 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां उपलब्ध कराना, विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी संबंधी गहनता बढ़ाना, भारतीय विनिर्माण में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना, इसके यही उद्देश्य थे। लेकिन हम उद्देश्य तो बहुत कुछ रख लेते हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, यही प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इसमें आपका क्या होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 35। क्या कह रहा है 35 क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? पहला कथन कह रहा है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा कह रहा है विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा कह रहा है अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदानों का प्रावधान। चौथा कह रहा है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्व अनुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। और पांचवा कथन कह रहा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। इन सभी कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। पांच में से सही कौन कौन से हैं पांचों में से, बताइए? पांचों कथनों में से कौन कौन से सही है? एक तो आपका एक सही है, फिर आप देखेंगे दो भी सही है, तीसरा भी सही है और पांचवा सही है। इसमें आपका चौथा बिल्कुल गलत है।
एक तरह से आप देखेंगे लोक वित्त, पर संसदीय नियंत्रण से तात्पर्य यही होता है कि संसद द्वारा अपनाई गई उस संपूर्ण प्रणाली से होता है जिसका उद्देश्य होता है कि व्यय किया जाना और सही प्रक्रिया द्वारा व्यय किया जाना होता है, सही दिशा में एक तरह से उसका खर्च हो सके। तो इसमें आपका 1, 2, 3 और क्या रहेगा 5, 1, 2, 3, 5, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 36। क्या पूछ रहा है 36? 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास विधान था इसलिए किया था, यानी कि आप कहिए कि 1932 में जो महात्मा गांधी ने उपवास रखा था उन्होंने क्या कहा था कि मरने तक हम उपवास रखे रहेंगे जब तक कि मर नहीं जाते। और आप देखिए कि गांधी जी के पास एक हथियार के रूप में था उपवास, अगर उन्हें किसी भी नेता से कोई बात मनवानी है, कांग्रेस से कोई बात मनवानी है, तो उपवास रख लेते थे और इसी का परिणाम रहता था कि गांधी जी की बात हर कोई मान भी लेता था। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे बताइए, क्या सही रहेगा? गोल भेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी, सीत कह रहा है रैमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, इस संदर्भ में उपयुक्त कथन यानी कि एबीसी कथनों में से कौन सा सही? कोई भी सही नहीं है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो रैमजी मैकडोनाल्ड थे इन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी और इसीलिए आप देखते हैं गांधी जी ने उपवास रख लिया था। ये बात है 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश संसद में ये घोषणा, जिसे कम्युनल अवार्ड या ऐसे आप लोग सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचायत भी कहते थे, इन तीनों नामों को याद रखिएगा। एक तो आपको देखेंगे इसका नाम था कम्युनल अवार्ड, दूसरा आप इसे कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्णय, तीसरा कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचायत। और इसमें घोषणा की गई थी कि मुसलमानों और सिखों और भारतीय ईसाइयों के साथ साथ हरिजनों के लिए भी हिंदुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और इसी का विरोध आप देखेंगे गांधी जी ने किया था और 10 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने उपवास रख लिया था जो आप देखेंगे 26 सितंबर 1932 को समाप्त हुआ था। पूना समझौता आप लोगों ने सुना होगा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि गांधी जी और B.R. अंबेडकर से इतिहास में जो भी घटनाएं जुड़ी हुई हैं उन्हें एक बार आप लोग जरूर पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 37। क्या कह रहा है? रेतबारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक कथन है इसमें किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रेत को पट्टे देती थी। तीसरा कथन कह रहा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इनमें से सही कथन आपको चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। क्या है? सही पूछ रहा है, तो तीनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। आप सभी अगर इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा है तो रेतबाड़ी प्रणाली का प्रारंभ मद्रास से किया गया था, बाद में आप देखेंगे महाराष्ट्र हो, बरार असम हो, पूर्वी पंजाब हो, यहां भी इसे लागू किया गया था। और इस प्रणाली में आप देखेंगे भूमि का उपयोग स्वामित्व राज्य के अनुसार होता था, यानी कि कहने का मतलब है कि व्यवस्था में भूमि पर खेती करने वाले ही स्वामी होते थे, यानी कि जो खेती कर रहा है वही मालिक होता था, जिसे आप देखते हैं रियत कहते थे। रियत ही मालगुजारी देने के लिए राज्य के प्रति जिम्मेदार भी होता था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्य और कृषक के बीच प्रत्यक्ष संबंध था ये। और कुल खेती की जा रही भूमि का 51% भूमि रेतबाड़ी प्रणाली के अंतर्गत उस समय आती थी। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ मद्रास में हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें आपकी तीनों कथन बिल्कुल सही है, यानी किसी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 38। आर्थिक विकास के से संबद्ध
जनाकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशेषताओं विशिष्ट अवस्थाओं पर आपको विचार करना है। क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ साथ निम्न जन्म दर, दूसरा कह रहा है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, तीसरा कह रहा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का आपको सही क्रम चुनना है। क्या करना है? सही क्रम आपको चुनना है। इन तीन में से कौन सा सही हुआ बताइए, किस क्रम में आप लगाएंगे इसे? एक तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें उच्च जन्म उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर आप देखेंगे इसमें निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और फिर आएगा एक निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। यानी के कहने का मतलब है 2-3-1, 2-3-1। जनाकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन वैसे आप देखेंगे 1929 में W.M. Thomas ने किया था। ये क्वेश्चंस भी कई बार आपका वनडे एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर में क्वेश्चंस आ जाता है। आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस स्टेट PCS में भी कई बार पूछ लेता है। क्या कहता है कि जो जनाकीय संक्रमण सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसने किया था? W.M. Thomas ने। और अगर हम लोग इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप देने की बात करें तो इसके इसका श्रेय जाता है फ्रैंक नोटेस्टीन को। 1945 में इन्होंने ये किया था। और इसमें आप देखेंगे तीन चरण आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला देखेंगे उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर हो गई, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। अगर आप लोगों को याद हो जनगणना पर एक आपका आपकी क्लास ली हुई थी, उसमें विस्तार से हम लोगों ने बात की हुई थी। और याद रखिए जो जनगणना है सेंसस है, इससे 2-4 क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा और हर परीक्षा में आपके आते रहते हैं, तो उस क्लास को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उससे भी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग आराम से उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसमें आप लोग कौन सा लगाएंगे बताइए? सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, 2-3-1, 2-3-1। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने 39। क्या कह रहा है 39? भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांक का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें आप देखेंगे सीमेंट भी आपका शामिल है, उर्वरक भी शामिल है, प्राकृतिक गैस भी शामिल है, और आपकी रिफाइनरी उत्पाद भी शामिल है। यानी कि आपके 4 बिल्कुल सही है। इसमें और भी बता देते हैं, सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, ऊर्जा हो, इस्पात हो, कोयला हो, इन सभी को शामिल किया गया है। 8 मूल उद्योग हैं ये, तो इसमें आपका 1-2-3-4 बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? कौन से प्रावधान शिक्षा पर डालते हैं बताइए? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और सप्तम अनुसूची। तो इसमें आप देखेंगे पांचों आपके बिल्कुल सही हैं। क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है आपसे, तो पांचों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। आप देखते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 45 है ये बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। वहीं आप लोग देखते होंगे ग्रामीण स्वशासन निकाय और शहरी स्थानीय निकाय जो 29 विषय और 18 विषय प्रदान करता है, जिसमें आप लोग शिक्षा पर योजना भी बनाते हैं, जिसमें आप देखते हैं राज्य सरकारें भी बनाती हैं, केंद्र सरकार भी बनाती रहती है,
पांचवी अनुसूची में आप देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और विकास कार्य की बात करती है, और जो छठवीं अनुसूची है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं, तो ये भी आपके, और सातवीं अनुसूची में आप देखते हैं कि आपकी तीन अनुसूचियों की बात करता है, तो इसमें आपके पांचों बिल्कुल सही है। यानी कि क्या लगाओगे इसमें? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 41। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? इस पादप का क्या महत्व है बताइए? इस पादप का, भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? इसमें पहला कथन है कि यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलियों को मरुस्थलीकरण को रोकता है। और इसमें आपका दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है आपसे कि यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा कह रहा है इसमें पोषणीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले डंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। और चौथा कथन कह रहा है इसमें इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। इन सभी कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आपका एक कथन बिल्कुल सही है। क्या है? एक कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखेंगे एक आपका इसमें तीन कथन बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। यह क्या करता है कि मृदा के क्षरण के नियंत्रण में सहायक भी होता है। मृदा के क्षरण की बात होती ना, तो उसे रोकने में भी सहायक होता है, और यह मरुस्थलीकरण को भी रोकता है। इसमें आप देखेंगे पोषणीय मान भी होता है, और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति उसके अनुकूलित भी है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आप देखेंगे एक तरह से करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। उस समय काफी चर्चा में था, ये 2012-11-12 की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नगदी और खाद्य दोनों सस्यों की साथ साथ खेती, बी कह रहा है दो या दो से अधिक सस्यों को एक ही खेत में उगाना, सी कह रहा है पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। अगर आप किसान होंगे तो जरूर इसे आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना, और इसे ही आप मिश्रित खेती भी कहते हैं एक तरह से। और एक सोचिए कि इसका उद्देश्य होता है कोई, मान लीजिए फसल किसी साल बर्बाद हो गई, तो आपके पास जो पशु हैं उनसे आप लोग अपनी जो भी जीवन दैनिकचर्या जो भी रहा है उसे आराम से चला सकते हैं। और आप देखेंगे पंजाब हरियाणा के किसानों की स्थिति अच्छी क्यों है, क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ खेती भी अच्छी तरीके से होती है, वो वहाँ बिजनेस की तरीके से उससे खेती को भी लेते हैं। वहाँ आप देखेंगे खेती के साथ आप देखेंगे पशुपालन भी होता है, समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए उनकी स्थिति अच्छी है। और वहीं आप लोग अगर बिहार चले जाइए या आप लोग मध्य प्रदेश में चले जाइए, बुंदेलखंड की, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो आए दिन आप सुनते रहते हैं किसानों ने, इसने किसान ने आत्महत्या की, उस किसान ने आत्महत्या की, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे खेती कोई बिजनेस के तरीके से नहीं की जाती है। यहाँ उन्होंने बो दी, अगर बरसात ठीक रही तो हो गई, नहीं हुई तो बर्बाद है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ के किसानों की हालत भी बुरी है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मिश्रित खेती के अंतर्गत आप देखेंगे किसी भूमि में कई फसलों को एक करके मिश्रित करके इस प्रकार लगाना कि कुछ फसलों द्वारा मिट्टी से लिए गए पोषक तत्वों की पूर्ति कुछ हद तक दूसरी फसल कर सके। इसके साथ आप देखेंगे किसान हो इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, नकदी फसलों के भी करता रहता है, मछली पालन भी तो आप देखते हैं इसी तरीके से होता है एक तरह से। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 43, भारत एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है,
भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत आता है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? ये सभी ऊपर जो विशेषताएं बताई गई हैं, ये किस राज्य के बारे में बताई गई हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बताइए किसके बारे में बताई गई है? ये बताई गई है आपकी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं ना, पूर्वी भारत में। आप देखते हैं कि चाइना इस पर दावा करने की बड़ी बात करता रहता है कि हमारा हिस्सा है। वहां भी आप देखते हैं कि हमारी एक तरह से विवाद भी चल रहा है। और आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश की ये विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 44। भारत की निम्नलिखित फसलों पर आपको विचार करना है। लोबिया, मूंग, अरहर, उपयुक्त में से कौन से दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? बताइए, इसे भी बता दीजिए। भारत की निम्नलिखित फसलों पर आपको विचार करना है, लोबिया, मूंग, अरहर, इनमें से बताना है आपको दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है। तो आप देखेंगे लोबिया का भी होता है और एक आप देखेंगे अरहर का भी होता है, यानी लोबिया और अरहर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग, 44, 44, 45। निम्नलिखित कारकों पर आपको विचार करना है। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी की परिक्रमण, उपयुक्त में से कौन कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? बताइए कौन से करते हैं? 45 आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है 45 कि निम्नलिखित कारकों पर आपको विचार करना है और जो ये कारक दिए गए इनमें से आपको बताना है कि कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पृथ्वी का आवर्तन भी करता है, वायु दाब और हवा भी करती है, महासागरीय जल का घनत्व भी करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये भूगोल आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? विश्व का भूगोल पढ़ लिया करिएगा। अगर हम लोग संपूर्ण पृथ्वी पर बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि 1/4 भाग पर जल है, समझ रहे हैं आप लोग? फिर भी हम देखते हैं कि जल की कमी बनी रहती है, यानी कि ये जल है तो कहीं आप देखते हैं महासागरों में सबसे ज्यादा खारा है, उसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। 1% से भी कम पानी आपको देखने को मिलेगा जो उपयोग करने लायक है, समझ रहे हैं आप लोग? और सागरों में आप देखते हैं जल एक निश्चित दिशा में प्रभावित होने होता रहता है, इसी गति को आप देखेंगे आप लोग धाराएं कहते हैं। पृथ्वी की आकृति हो, घूर्णन का प्रभाव हो, ये जल धाराओं की उत्पत्ति पर पड़ता है इसका प्रभाव। विषुवत रेखा पर आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम होता है और अपकेंद्रीय बल इस यहाँ कहाँ विषुवत रेखा पर आपका अधिकतम होता है, जबकि दोनों ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम और अपकेंद्रीय बल न्यूनतम होता है। इसके कारण आप देखेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश का सागरीय जल ध्रुवों की ओर प्रभावित होने की प्रवृत्ति रखता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर आप सभी जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, किससे? पश्चिम से पूर्व की ओर, और महासागरीय जल तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता और महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होने की प्रवृत्ति रखता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल जिसे आप लोग कोरिओलिस बल भी कहते हैं या जिसे आप लोग विक्षेप बल भी कहते हैं, ये जलधाराओं को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे बाईं ओर मोड़ देता है। इसके अतिरिक्त आपका वायु दाब हो गया, बाष्पीकरण हो गया, वर्षा और नदियों के गिरने से सागरीय जल की मात्रा में वृद्धि होना, ये भी आपकी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है।
तो ये भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक बार अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें तो मुझे लगता है कि काफी इससे आपको फायदा भी होगा। मुझे नहीं लगता है कि बिना एनसीईआरटी के कुछ उखाड़ पाओगे, क्योंकि बेस मजबूत बहुत, मतलब आप समझिए कि बेस मजबूत हो जाता है इससे काफी हद तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। 46 क्वेश्चन। भारत की आदभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आदभूमियों के बारे में भी तो पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते हो, बताइए। भारत की आदभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन कह रहा है इसमें कि आदभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित किया गया है। दूसरा कह रहा है भारत में तटीय आदभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आदभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। इनमें से आपको सही क्या करना है? उपयुक्त कथन में से सही कथन आपको चुनना है। दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे केवल एक कथन सही है, बाकी दूसरा आपका गलत है। आदभूमि को आप लोग वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं, जो प्राकृतिक और कृत्रिम दलीय पीत स्थायी फिर या अस्थायी स्थिर या बहाव वाली अर्ध खारी या खारी झील से आंशिक या पूर्ण रूप से ढके होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वे क्षेत्र जो स्थायी रूप से या कुछ महीने जल से ढके रहते हैं आदभूमि में आते हैं। '71 में आपने देखा होगा कि इसके इनके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय समझौता भी हुआ था, जिसे आप लोग रामसर ईरान सम्मेलन के नाम से जानते हैं। रामसर सम्मेलन ये ईरान में एक जगह है, वहां हुआ था ये सम्मेलन 1971 में। और इसमें आप देखेंगे भारत भी सम्मिलित हुआ था। अन्य राज्यों की तुलना में आप देखेंगे इसका क्षेत्र गुजरात में अधिक देखने को मिलेगा। कहां? गुजरात में। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 47। क्या कह रहा है 47 क्वेश्चन? भारत की निम्नलिखित फसलों पर आपको विचार करना है। मूंगफली, तिल, बाजरा। उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखता वर्षा आधारित फसल है? यानी कहने का मतलब है कि वर्षा पर निर्भर रहती है अधिकतर, बताइए इसमें से 47 में क्या लगाओगे? तो इसमें आप जानते हैं कि मूंगफली हो, तिल हो, बाजरा, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। और आप जानते हैं कि खरीफ की जो फसलें हैं ये अधिकतर पानी, बरसात के पानी पर ही निर्भर रहती हैं, समझ रहे हैं? तो इसमें आपके तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। जिस समय आप देखते हैं बरसात होती है उसी समय तो आप लोग मूंगफली बहते हैं, लगाते हैं, तिल हो, बाजरा हो, ये उसी समय होता है। तो फसलों का भी क्रम याद रखिएगा। इसमें आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्डे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत यानी कि नवीन मोहरदार पर्वत के साक्ष कहे जा सकते हैं, बताइए कौन से कहे जाते सकते हैं? तो इसमें आपके चारों बिल्कुल सही हैं। क्या है? चारों बिल्कुल सही हैं। हिमालय पर्वत आप देखेंगे अत्यधिक ऊंचा नीचा गहरे खंडों में देखने को मिलेगा। हिमस्खलन पिघलन के कारण, पानी स्रोत के बहाव और के कारण घुमाव वाली नदी मार्ग, दूर दूर तक फैली समांतर पर्वत श्रेणियां इसमें देखने को मिलेंगी। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये सभी हिमालय के तरुण बलित पर्वत के साक्ष कहे जा सकते हैं। हिमालय अभी नया है, हिमालय बच्चा है अभी, इसकी ऊंचाई और भी जाएगी, आप समझ रहे हैं? सबसे ऊंची चोटी इसी में आपको देखने को मिलेगी। कौन सी है आप लोग बताइए?
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी बताइए। नीचे लिखिए आप लोग। तो इसमें आपका क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 49। क्या कह रहा है 49 क्वेश्चंस? सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्यों होती है? सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्यों होती है? कहने का सीधा सा मतलब है, पृथ्वी से आप लोग ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी देखने को मिलेगी। ये किस कारण कमी देखने को मिलेगी? वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक तो कारण आपका एक है और एक आपका तीसरा है। पृथ्वी के वायुमंडल में अगर आप लोग 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद आप देखें तो तापमान में लगातार वृद्धि होती है। ऊपर की ओर आप देखेंगे वहां आपको गर्म होता जाता है, गर्म रहता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, एक और तीन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने 50। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय बना हुआ है? क्यों चिंता का विषय बना हुआ है? क्या महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय बना हुआ है? पहला कथन कह रहा है कैल्शियमी पादप पिलवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तीसरा कह रहा है कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादप पिलवकीय होते हैं जो की उत्तर जीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। चौथा कह रहा है मेघ बीजन मेघों की का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इनमें से आपको सही कथन चुनना है। क्या करेंगे? तो इसमें एक तो आपका एक सही है, दो सही है और तीसरा सही है, चौथा आपका बिल्कुल गलत है। चौथा आपका बिल्कुल गलत रहेगा इसमें। और सागरीय लवणता का मतलब ही यही होता है एक तरह से, कि जल में जो घुले हुए पदार्थ होते हैं ना, जिसमें आप देखेंगे पदार्थों के भार हो, सागरीय जल के भार हो, इसके अनुपात को ही एक तरह से आप लोग सागरीय लवणता कह देते हैं। और आप लोग अगर सागरीय लवणता को निकालने की बात करें तो इसमें आप देखेंगे प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित जो लवण की मात्रा होती है ना, इसी को आप लोग कहते हैं सागर का हिमांक हो, फिजिंग पॉइंट लवणता पर ही आधारित होता है। अधिक लवण युक्त सागर देर से जमता है, और इसी तरह आप देखते हैं कि सागर क्वथनांक और उबाल बिंदु सामान्य जल से ऊंचा देखने को मिलेगा, और सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी आपको बढ़ता जाता है, और यह जैव विविधता को विपरीत रूप से प्रभावित भी करता है। तो इसमें आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? केवल एक दो तीन इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा, चौथा कथन इसमें बिल्कुल गलत है। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है 51। क्या पूछ रहा है 51 क्वेश्चन? कि लोक निधि के फल उत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के कार्यालय का क्या महत्व है? इसमें पहला कथन कह रहा है कि सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या फिर वित्तीय आपात घोषित करता है उस समय। दूसरा कथन कह रहा है कि सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा कथन कह रहा है कि सीएजी की प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांच करता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। और चौथा इसमें कथन कह रहा है कि सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक को लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इन चार में से आपको सही कथन चुनना है। बताइए सही कथन क्या है?
तो इसमें तो एक तो आप देखेंगे दूसरा कथन बिल्कुल सही है और एक आपका तीसरा कथन बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 5, इसमें आप देखते हैं कि अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे आप लोग CAG भी कहते हैं, और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है ये संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा उसमें उसे दी गई हो, ठीक है। और CAG की आप बात करें तो संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता है। CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता है, लेकिन आप देखेंगे संचित संचित निधि से हुए खर्चों की जांच जरूर करता है CAG आपका। और CAG आप देखेंगे मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या फिर कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श भी करती है, और CAG की प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के अनुसार जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप भी दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, और CAG को जांच संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन आप देखेंगे न्यायिक शक्तियां CAG के पास नहीं है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, इसे संपूर्ण वित्तीय प्रशासक का सजग पहरेदार भी कहते हैं, पहरेदार यानी कि रखवाली करने वाला। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही होगा। और इससे भी ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया गया है इससे CAG से आपका, दो तीन यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 52, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास क्या है। पहला कथन कह रहा है कि संस्थागत पेशाओं को प्रोत्साहन करना, और दूसरा कह रहा है प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, तीसरा कह रहा है गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इन तीन कथन में से सही कथन आपको चुनना है, चुनिए आप कौन सा लगाएंगे इसमें। तो इसमें आप देखेंगे एक कथन आपका बिल्कुल सही है और दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा क्या है गलत है। जो आपकी जननी सुरक्षा योजना आप देखेंगे केंद्र की ये योजना थी, समझ रहे हैं, केंद्र प्रायोजित योजना थी पूरी, और स्कीम यानी कि योजना में आप देखेंगे ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में आरंभ किया गया जहां संस्थागत पेशाओं की मांग और सुविधा कम थी। यह स्कीम यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि पेशाओं का जन्म कुशल परिचरों और द्वारा कराया जाए और जिससे मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। आप देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत हमारे देश में, आप सभी को मालूम होगा इसका। तो इसमें आपका एक कथन सही है और दो कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 53, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, एक कथन कह रहा है जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, और डी ऑप्शन कह रहा है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इन 4 में से बताइए कौन सही है। अगर आपको मालूम तो मैंने बताया भी था एक बार आपको कि अगर आप लोग लोकसभा और राज्यसभा किसी भी के सदस्य नहीं है तब आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप मंत्री भी बन सकते हैं। इसी तरह आप राज्यों में देखेंगे, राज्य में आप देखिए मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, अगर आप लोग विधानसभा विधान परिषद के सदस्य नहीं है तब भी। इसका उदाहरण भी आपको दे देता हूं, ममता बनर्जी, अभी आपने देखा है कि उन्होंने अपनी सीट हार गई वो जहां से चुनाव लड़ा था, या आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, छोड़िए उद्धव ठाकरे को, नीतीश कुमार,
नीतीश कुमार तो आप देखते हैं कि विधानसभा से जाते ही नहीं है, विधान परिषद से एक तरह से चुन लिए जाते हैं। अब आप देखिए कि ममता बनर्जी क्या करेंगी कि एक सीट खाली करवाएंगी और उस पर चुनाव लड़ रहेंगी, और 6 महीने के अंदर वो चुनाव हो जाएगा और वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद आपका 75(1) 75(1) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के विषय में स्पष्ट निर्देश दिए गए इसमें कि इसके अनुसार प्रधानमंत्री वह बन सकता है जो बहुमत दल बहुमत गठबंधन का नेता होने के साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो, या अथवा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि 1967 में आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी उस समय राज्यसभा की सदस्य थी, और 1991 में आपने देखा होगा कि पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री पर नियुक्त किए गए थे, तब ये लोकसभा के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने क्या किया था, लोकसभा चुनाव लड़कर सदस्य भी बन गए थे। तो दोनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप देखते हैं कई मंत्री बन जाते हैं और आगे चल के उन्हें राज्यसभा से चुन लिया जाता है, सदस्य बना दिया जाता है। स्मृति ईरानी आप देखिए 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वो हार गई थी अमेठी से, लेकिन फिर भी आपने देखा है कि मंत्री केंद्र में रही है क्योंकि राज्यसभा के जरिए वो गई थी, ठीक है, बाद में। तो ये भी मालूम होना चाहिए। 53 में आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 54, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सा कथन सही लगाओगे। तो इसमें आप देखेंगे दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या है, दोनों कथन बिल्कुल सही है आपके। इसमें क्या लगाओगे आप, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सीटों का निर्धारण करता है आपका परिसीमन आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 55, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। होटल तथा रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, उपयुक्त में से किस इकाई के निकायों के कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से आप बताइए कौन से कर्मचारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे चारों के कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चारों के कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम सरकारी कर्मचारियों के साथ ही आप देखेंगे निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं उनके वित्तीय योगदान के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बीमा कवर की सुविधा ना प्रदान करता है, और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए सरकारी सब्सिडी आधारित आधारित वित्तीय अनुदान कंपनी को प्रदान करती है और कंपनी बीमा कवर प्रदान करती है। तो इसमें आपके चारों होंगे, क्या होंगे, चारों होंगे, बीमा कंपनी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है, 56, क्या पूछ रहा है 56 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको किसको संसद के पटल पर रख पाए। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है, क्या करना है, सही उत्तर आपको चुनना है, बताइए, चुनिए। तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका एक सही है, और एक आप देखेंगे इसमें 3 सही है और 4 सही है। राष्ट्रपति को आप देखेंगे विभिन्न आयोगों को गठित करने और उनके प्रतिवेदनों को संसद के फर्श पर यानी पटल पर प्रस्तुत करवाने का अधिकार है।
वित्त आयोग हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राजभाषा आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, पिछड़े वर्ग की दशाओं के लिए अन्वेषण आयोग, जल विधायक में हस्तक्षेप अन्वेषण करने के लिए आयोग, इन सब की बात होती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या लगाएंगे आप लोग, 1, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 57, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इस संयुक्त बैठक से आप सोचिए कई परीक्षाओं में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे वन डे एग्जाम की बात कर लीजिए, स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए या फिर सिविल सर्विस की बात कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं यहां से आपके। तो इसमें आपका क्या कह रहा है क्वेश्चंस, कह रहा है 57 में एक कथन आपका क्या कह रहा है, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। दूसरा कथन कह रहा है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तीसरा कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। बताइए किस स्थिति में। तो आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, आगे निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। तो आप देखेंगे इसमें केवल एक होगा आपका, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ही आप देखेंगे संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और आपको बता दूं यहां कि इसे बुलाता कौन है, राष्ट्रपति साहब। इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है, कौन करता है इसकी अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में कोई अगर गतिरोध इन दोनों के बीच हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों का साझा अधिवेशन बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, इसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और आप देखेंगे कि मतदान द्वारा गतिरोध को दूर कर दिया जाता है, एक भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो इसमें आपका केवल एक है, एक कथन सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसमें क्वेश्चन है हमारे सामने 58, क्या कह रहा है 58 क्वेश्चन 58 कह रहा है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं। DRDA देश में के कुछ बेनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। DRDA बेनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनताओं कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उनके समाधान में के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय इंटरसेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। और चौथा कथन कह रहा है कि DRDS निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इन चार कथन में से आपको सही कथन चुनना है। कैसे चुनोगे बताओ, तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका तीसरा सही है, एक आपका चौथा सही है, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। जिला ग्रामीण अभिकरण जिसे आप लोग DRDA के नाम से भी जानते हैं, ये भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए जिले में विकासात्मक कार्यक्रम के निर्माण कार्यान्वयन मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करने वाली एक नोडल एजेंसी है, जो आप देखेंगे जिले में अनेक कार्यक्रम भी चलाता है, जिसमें आप देखेंगे IRDP DDP DPA TRISEM, समझ रहे हैं। और DRDA विकास प्रशासन में आज मुख्य भूमिका विकासात्मक कार्यक्रमों से संबंध जिला स्तरीय अधिकारियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है ताकि उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, 3 और 4 कथन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 59, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। बताइए मूल कर्तव्य आप लोग देखते हैं ना,
आपको मौलिक अधिकार भी मिले हुए हैं और आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। एक तरह से आप इन्हें ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई आप पर भरोसा करता है, समझ रहे हैं आप, तो आपका भी कर्तव्य है कि उन भरोसे को, उस भरोसे को बनाए रखें। यानी कि आप कह सकते हैं कि सरकार देखते हैं कि आप लोग संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए, तो आपके अधिकार हैं आपके पास, तो कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। तो आप देखते हैं कि आपको संविधान के भाग 4 का में आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसमें कह रहा है कि मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा और सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्ति को सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो इसमें एक तो आप देखेंगे 1 सही है, फिर आप देखेंगे 3 सही है और 4 सही है। एक तरह से आप लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि आपको आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन आपका ये भी तो कर्तव्य है कि आप ऐसा ना करिए कि सरकारी संपत्ति को जलाने लगें, तोड़फोड़ करने लगें। यहां आपका मौलिक कर्तव्य काम करने लगता है। और आपके देखेंगे आप लोग की मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं। अभी अगर आप कहें तो बता देता हूं। पहला आप लोग देखते हैं, ये याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और आप सभी को मालूम होना कि ये सोवियत संघ, जिसे आप लोग रूस कहते हैं ना आज लोग, ये 1990-91 के पहले सोवियत संघ कहलाता था। तो इसी से एक तरह से आपके लिए गए हैं और भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं। पहला आप देखेंगे आपका मौलिक अधिकार है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य आपसे कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य आपसे कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य आपसे कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परीक्षण करें। सातवां आपसे कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। आठवां आपसे कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। नौवां आपसे कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। दसवां आपसे कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11 और अंतिम क्या कहता है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या फिर अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करें। और आपको बता दूं कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और इसी के द्वारा आप देखते हैं कि संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 21 का भी जोड़ा गया था, शिक्षा के अधिकार की बात करता है जो, ठीक है। तो इसे भी याद रखिए आप लोग, 1, 3, 4, यानी कि इसमें आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 60। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के हेतु क्या प्रावधान है? एक आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा कथन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। इन 3 में से आपको एक और है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय की अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इन 4ों में से आपको सही कथन चुनना है। बताइए सही कथन कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे
एक तो आपका एक सही है और एक आपका तीसरा कथन सही है, दो और चार गलत है। गलत क्यों है बता देता हूं आपको। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान है? एक तो आप देखेंगे संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण हेतु कदम उठाए गए हैं। और इस संकल्पना में आप देखेंगे अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्चतर न्यायपालिका तक सम्मिलित है। नियुक्ति या फिर स्थानांतरण की बात करके संबंध में उच्चतर न्यायपालिका की राय को प्राथमिकता दिए जाने और अब न्यायपालिका की स्वायत्तता की संकल्पना को पूर्णता प्राप्त हो गई है। तो आर्टिकल 50 को भी याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं कि न्यायाधीश को उनके पद से समय पूर्व हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, आसान नहीं होता है हटाना। तीसरा आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया गया है। आप सोचिए कि अगर विधायिका को शामिल कर लिया जाता तो आप सोचिए अगर उसके पक्ष में अगर कोई फैसला ना देता तो कभी भी हटा देते। तो आपने देखा होगा कई बार सरकारों को फटकार भी लगाते रहते हैं, निष्पक्ष है हमारी न्यायपालिका। और आप देखेंगे किसी को किसी भी पर भरोसा हो या ना हो, सबको आपका न्यायपालिका पर भरोसा जरूर रहता है। उसका जो फैसला रहता है उसे हम लोग मानते भी हैं बड़ी खुशी खुशी। इसमें अगला आप देखेंगे न्यायिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय निर्भरता से बाहर रखा गया है। जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संचित निधि से वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो इसमें न्यायाधीश रहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। इनके वेतन और भत्ते की बात करें तो आप देखेंगे संचित निधि से दिए जाते हैं, समझ रहे आप लोग। और आप देखेंगे इसकी स्वीकृति के लिए यानी कि संचित निधि पर अगर कोई धन चाहिए तो इसकी स्वीकृति के लिए आप देखेंगे विधायिका की आवश्यकता ही नहीं होती, उसकी इसमें स्वीकृति लेने ही नहीं पड़ती है। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है और संसद के सदनों में इसके कर्तव्यों के पालन पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है जब तक कि उसके पद से हटाए जाने का संकल्प सदन में प्रस्तावित नहीं हो, आर्टिकल 121 कहता है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उसे दंडित भी कर सकता है, अनुच्छेद 129। और आपने देखा है कई लोगों को दंडित भी किया है। प्रशांत भूषण का मामला आप लोगों ने देखा होगा, वो वकील ही अलग है। देखिए उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उदाहरण एक तरह से दे रहा हूं। आपने देखा होगा लास्ट में उन्होंने 1 रुपये की फाइन लगाई थी, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कहा गया था कि उन्होंने अवमानना की है न्यायालय की। और फिर आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत न्यायाधीश करता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये कहता है आर्टिकल 146 आपका। तो इसीलिए तो आप देखेंगे निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारी। अगर ये सभी आप सोचिए कवच ये सभी ना मिले होते तो आप समझते कि न्याय का भी क्या होता हमारे देश में। तो इसमें आपका 1 और 3 बिल्कुल सही था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 61। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है बताइए आप लोग। इसमें पहला कथन आपसे क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडार है इसके। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। और तीसरा कथन कह रहा है कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करती है। और इन कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। बताइए सही कथन कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है तेजी से बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को थोरियम के नाभिकीय
ऊर्जा के भविष्य के रूप ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। थोरियम आप देखेंगे दक्षिण भारत में केरल की नदियों की बालू में आपको काफी देखने को मिलेगा। और यूरेनियम की तुलना में आप देखेंगे थोरियम का भंडार कहीं प्रचुर मात्रा में हमारे पास, वह यह यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है और कम नुकसानदेह भी अपशिष्ट उत्पादित करता है। और आप सोचिए कि एक समय आपके पास जहां एक यूनिट ऊर्जा की जरूरत होती थी, आज आप देखेंगे कि बढ़कर आपकी 4 से 5 यूनिट ऊर्जा हो गई है। आप समझिए, एक घर में पहले आप देखते थे कि अगर आपके पास ऊर्जा यानी कि लाइट अगर नहीं है, बिजली नहीं है, तो आप तो लोग क्या करते थे, लालटेन, दीपक, इस तरह से आप लोग काम चला लेते थे। लेकिन आज देखिए आप लोग कि संभव ही नहीं है। एक तो आप सबसे पहले आप देखिए मोबाइल की आप लोग देख लीजिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए, तो इसमें आपके चारों क्या तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 62, क्या कह रहा है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कह रहा है वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, बी कह रहा है कि सौर विकिरण के परावैगनी अंश को अवशोषित करती है, सी कह रहा है संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, और डी कह रहा है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। बताइए इनमें से चार में से कौन सा सही होगा, 62 में पूछ रहा है। तो इसमें होगा आपका डी, क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल में आप देखेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है और तापमान को बढ़ाती है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक चर्चा का विषय भी रहता है, कई संधियां भी होती रहती हैं। तो इसे भी याद रखिए, आपका डी ऑप्शन लगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, 63, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है, उत्तरदायी था या है, बताइए, इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है, कौन सा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, बताइए। तो इसमें आप लोग लगाएंगे बी ऑप्शन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। पृथ्वी पर अगर जीवन की उत्पत्ति विकास के लिए आप देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन उत्तरदायी तत्व हैं, ये जरूरी तत्व हैं, समझ रहे हैं। और आप देखिए कि मंगल ग्रह पर अगर जीवन संभव कैसे होगा, अगर ये तत्व रहे वहां तो जीवन की संभावना भी लगाई जा सकती है। चलिए तो हम लोग 64 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है, भारत में बीटी बैगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध के कारण कौन कौन से थे, इसमें बताइए, बीटी इसमें आप देखेंगे कि भारत में बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा के कवक के जीन को प्रवेश करा कर की गई। बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज है, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ेगा। और 64 इसमें तीसरा कह रहा है, एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा इसे कह रहा है कि यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेश से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, बताइए। इसमें एक तो आपका क्या पूछ रहा है, कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो एक तो आप देखेंगे 2 सही है, 3 सही भी है, क्या है, तीसरा भी सही है इसमें।
और याद रखिए बीटी बैगन जो सामान्य बैगन की प्रजाति के जीन में बैसिलस थोरियोजेनेसिस जीवाणु के जीन को स्थानांतरित किया जाता है, जिससे आप देखेंगे बैगन को कीट रोधी बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें आप देखेंगे कि दो और तीन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दो तीन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 65। क्या कह रहा है 65 क्वेश्चन? कि पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा कह रहा है कि उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना। तीसरा कह रहा है कि अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और विकास संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। और इसमें चौथा कथन कह रहा है कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। बताइए सही कौन सा होगा इसमें? तो इसमें एक तो आप देखेंगे एक कथन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? एक कथन आपका बिल्कुल सही है। और एक आप देखेंगे दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। एक आपका चौथा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा कथन आपका गलत है। पीड़कों को प्रतिरोध की अतिरिक्त सूखा सहन करने की क्षमता, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना और उसके सेल्फ लाइफ बढ़ाना आदि के लिए अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? एक, एक दो और चार, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 66। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। इन ऊपर जितने आपके तीन कथन दिए गए इनमें से आपको सही कथन चुनना है। बताइए तीन में से कौन सा कथन सही होगा? क्या होगा? सही होगा। तीन कथन में से सही कथन क्या करना है? चुनना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे कि एक कथन आपका बिल्कुल सही है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि जो ब्रिटेन है, जो अंग्रेज हैं, ये भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने का मतलब हम लोग बहुत एक तरह से सशक्त थे, आर्थिक रूप में हम लोग बहुत आगे थे। उसका एक तरह से किसने लूटा? अंग्रेजों ने लूटा है उसे भरपूर। तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी आपका बिल्कुल गलत है। दादा भाई नौरोजी प्रारंभ में भारत में ब्रिटिश शासन की समर्थक थे, लेकिन आप देखेंगे बाद में 1897 के बाद भारतीय वित्त और व्यय पर बिल्ली आयोग के समक्ष अपने विचार रखे। उन्होंने सरकार की भारत विरोधी वित्त नीति की आलोचना भी की थी। उन्होंने एक पुस्तक के बारे में जरूर याद रखिए, एक पुस्तक भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेती है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक इसकी पुस्तक थी। तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी की। और इसी पुस्तक में उन्होंने आर्थिक निर्गम और या फिर निकासी के सिद्धांत को तथ्य व तर्कों के आधार पर प्रतिपादित किया था। निकासी का सिद्धांत, यानी कि निकासी का कहने का मतलब हमारे यहां से निकल रहा है और ये ब्रिटेन में जा रहा है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? केवल आपका एक कथन सही है, ए ऑप्शन सही है। अंग्रेजों ने देखिए आप लोग की शोषण सबका किया, ऐसा नहीं कि किसी समुदाय किसी जात धर्म को छोड़ दिया हो, लेकिन लोग समझने में देरी कर दी लोगों ने। और आप सोचिए कि फिर चाहे आपने आदिवासी यानी कि जनजातियों का विद्रोह हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ, उनका शोषण करने का जरिया अलग था लेकिन शोषित सभी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 67। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा द्रौपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको सही कथन
चुनना है। एक तो आपका पहला कथन कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि द्रौपदी की उत्पत्ति और विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ था। दूसरा कथन कह रहा है कि द्रौपदी विमुक्ता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा कह रहा है द्रौपदी आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत के अक्षरों पर आधारित है। और इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है, इनमें सही बताइए कौन है। 67 में क्या लगाओगे? तो याद रखिए इसमें दो कथन सही है और तीन कथन आपका बिल्कुल सही है, एक आपका गलत है। क्या है? गलत है। सदियों से आप देखेंगे भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा है ध्रुपद गायन, और एक ऐसी शैली है जिसमें आप देखेंगे भक्ति और आध्यात्मक संगीत की प्रधानता देखने को मिलेगी आपको। और ध्रुपद अलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। संस्कृत आप लोगों ने पढ़ी होगी 10th तक, संस्कृत 10th तक हुआ करती थी संस्कृत। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, दो और तीन कथन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 68। क्या पूछ रहा है 68 क्वेश्चन? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है, क्या अंतर है? तो इसमें आप देखेंगे पहला कथन कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि पीतल की तस्करी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की प्रमुख विशेषता है, यानी कि विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको सही कथन चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका एक कथन बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है आपका नृत्य। और भरतनाट्यम नृत्य की बात करें तो ये तमिलनाडु का विशेष रूप से प्रचलित है, तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी नृत्य में आप देखेंगे नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक कथन बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग आगे 69। क्या पूछ रहा है 69 क्वेश्चन? मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान, क्या कह रहा है बताइए। पहला कथन कह रहा है कि ध्यान और श्वास नियमन। दूसरा कह रहा है एकांत में कठोर योगिक व्यायाम। तीसरा कह रहा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही चुनना है, इसमें आपको सही चुनना है। तो याद रखिए तीनों आपके बिल्कुल सही है, तीनों आपके बिल्कुल सही है। मध्ययुगीन भारत में आप देखेंगे इतिहास में सूफी संत के बारे में आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा, ध्यान साधना श्वास नियमन के साथ ही आप देखेंगे एकांत में कठोर योगिक व्यायाम को प्रमुखता देते थे। कौन? सूफी संत। और श्रोताओं में आप देखेंगे आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र ग्रंथों का गायन भी करते थे। इस्लाम रहस्यवाद को आप सूफी धर्म भी कहा जाता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी शिल्पों का उल्लेख भी किया हुआ है। किसमें? आईने ए अकबरी। ये किसकी रचना है? अबुल फजल की। इनमें आप देखेंगे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सोक्तरी, नक्शबंदियां, ये सभी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें भी याद रखिए आप लोग। तो इसमें आपका क्या लगाएंगे आप लोग? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ये 1919 में आया हुआ था, आपने देखा होगा काला कानून भी कहा था। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन भी कह रहा है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन कह रहा है खिलाफत आंदोलन का दमन,
डी ऑप्शन कह रहा है प्रेस स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाना, तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन था बिना मुकदमा चलाए चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। तो इसमें आप देखेंगे एक तरह से भारत के क्रांतिकारियों को एक तरह से समाप्त करना था इसका उद्देश्य, कि उन्हें जेल में डाल देना, उन पर कोई सुनवाई ना करना। ठीक है, भारतीय भावनाओं को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी और कमेटी द्वारा आप दिए गए सुझावों के आधार पर रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस विधेयक में आप देखेंगे तो व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि संदेहास्पद स्थिति में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था और भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा भी दी थी। और इस एक्ट को आप देखेंगे बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा था। आप सोचिए किसी भी को आप लोग एक तरह से क्या करिए, संदेह में रख लीजिए, उसे गिरफ्तार कर लीजिएगा, उसे जेल में डाल दीजिएगा, यही चल रहा था। इसलिए आप देखेंगे इसे काले कानून की संज्ञा भी दी गई थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 71। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपसे सही कथन पूछ रहा है, तो आपको बता दूं कि इसमें आप देखेंगे केवल एक कथन आपका बिल्कुल सही है। जो कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, 2 और 3 बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्या पूछ रहा है 72 क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा मुद्रा कहा जाता है और यह किसका प्रतीक है। पहला कथन कह रहा है इसमें ए कह रहा है मार्ग पर दृष्टि, क्या कह रहा है, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी कह रहा है कि मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी ऑप्शन कह रहा है कि बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं और अंततः जीवन संक्रमणशील है। और डी कह रहा है कि इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है। तो बताइए इसमें क्या है। तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा, मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, बी ऑप्शन सही है। मैंने आपसे पीछे भी कहा है कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं और इन पॉइंटों का उपयोग कई जगह होता है। आंसर लिख रहे होंगे तब भी आप लोग इनका कहीं ना कहीं उपयोग हो जाएगा। अहिंसा की आप देखते हैं कि आजकल बहुत बात चल रही है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा आप कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे आप देखते हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है और यह मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान का प्रतीक है एक तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था, भक्ति मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। इसमें आप देखेंगे कि प्रकृति पूजा और यज्ञ, सूर्य की उपासना भी करते थे आपने देखा होगा ये, तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है 74, ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है,
दूसरा कथन कह रहा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित पुरोहित वर्ग की को अस्वीकारा है। तीसरा कह रहा है कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद की वेद तुटीहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है, तीन में से कौन सा सही है। तो आप देखेंगे इसमें आपका एक सही है और दो सही है, तीसरा आपका गलत है। आप सभी को मालूम होगा कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। और आपको बता दूं कि जो राजा इन्हें मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ब्रह्मा समाज की बात करें तो सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन था एक तरह से एक, और इसका मानना था कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब का कारण है, कारण और तथा प्रेरणा स्रोत ईश्वर है। ब्रह्मा समाज ईश्वर और जीव मनुष्य के बीच किसी मध्यस्थ पुजारी या पंडित की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। यह मूर्ति पूजा बलि प्रथा का विरोध भी करता था। यानी कि उनका कहना था कि जो बीच में पुजारी हैं उनका कनेक्शन कुछ है ही नहीं है, भगवान का सीधा जुड़ाव कनेक्शन निचले सभी आप लोगों से है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एक और दो। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 75। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन से है। अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, आवश्यक के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है, इसमें क्या चुनोगे। तो इसमें एक तो आप देखेंगे एक कथन आपका बिल्कुल सही है, एक आपका दो कथन बिल्कुल सही है, तीसरा आपका गलत है। आरबीआई बैंकों का बैंक, आप सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आप लोग बताइए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी इकोनॉमी तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि ये बैंकों का बैंक है, हमारा केंद्रीय बैंक भी है, और यह बैंकों के अधिपत्य को जमा के रूप में स्वीकार भी करता है और वाणिज्यिक बैंकों को ये ऋण भी प्रदान करता है। नए बैंकों की स्थापना उनके नियंत्रण के लिए नियम भी बनाता है और मौद्रिक नीति के द्वारा वाणिज्य बैंकों के साथ वित्तीय प्रणाली का भी अप्रत्यक्ष रूप से नियमन भी करता है। तो इसमें आपका एक दो सही, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है, किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है, बताइए किन परिस्थितियों में आप पूंजी लाभ करवाएंगे। जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, या फिर जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसको उसके मूल्य में वृद्धि हो। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है, क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। तो एक तो इसमें आप देखेंगे दूसरा कथन आपको सही लगेगा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। पूंजी से एक तरह से इसका मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित उन सभी वस्तुओं से लगाया जाता है जो उत्पादन में प्रयुक्त होती है, ये उत्पादन क्रिया में समाप्त नहीं होती है, जैसे मशीन प्लांट है भवन है आदि देखेंगे। पूंजीगत लाभ अप्रत्याशित लाभ को व्याख्यापित करता है जो लागत लाभ विश्लेषण के बगैर होता है, यानी कि कह सकते हैं कि इसी उत्पाद की एक निश्चित लागत होती है और सामान्य लाभ लागत का एक निश्चित भाग होता है। कोई भी विक्रेता लागत से कम पर वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि आपकी लागत 10 रुपये है और क्या आप लोग उसे 5 में बेचेंगे, बिल्कुल नहीं। जबकि पूंजीगत लाभ अर्थशास्त्री सुम्पीटर
कि भाषा में अनिश्चित जोखिम वहन करने का पुरस्कार होता है जिसका बीमा नहीं कराया जा सकता है, और यह अप्रत्याशित होता है। तो इसमें आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्षेत्र में क्या लगाओगे? बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77। निम्नलिखित उपायों में से किसकी या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। बताइए किन उपायों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आपका एक कथन बिल्कुल सही है और एक आपका 3 बिल्कुल सही है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास जो प्रतिभूतियां पड़ी होंगी उसे बैंक खरीदेगा, और बैंक खरीदेगा तो आपको कुछ पैसा देगा कि मुद्रा देगा या नहीं देगा, और मुद्रा देगी तो वो बाजार में आएगी, समझ रहे हैं? तो ये भी एक कारण होगा। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे CRR, SLR, रेपो व रिवर्स रेपो और बैंक दर में कमी करके भी केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति में वृद्धि यानी कि बढ़ा सकती है। सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को तत्काल पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी का निकासी करती है, और इसके बदले आप देखेंगे केंद्रीय बैंक को सरकार बॉन्ड जारी करती है, और सरकार द्वारा लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के वृद्धि के प्रेरक होते हैं, बाजार में एक तरह से पैसा पहुंच जाना। और बाजार में पैसा पहुंचता है तो आपने देखा होगा मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपके पास पैसा रहेगा तो उसे आप रखेंगे, थोड़ी खर्च करेंगे। तो 1-3 इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है? क्या लगाएंगे? सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 78। क्या पूछ रहा है 78 क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी? पहला कथन कह रहा है कि भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां। दूसरा कह रहा है कि भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण। तीसरा कह रहा है विदेशी कंपनियों द्वारा अनवन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां। और चौथा कह रहा है पोर्टफोलियो निवेश। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको इन 4 में से सही चुनना है। बताइए क्या चुनोगे? तो इसमें आप देखें, एक आपका बिल्कुल सही है, 2 सही है और 3 सही है, लेकिन 4 आपका बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है एक तरह से विदेशी कंपनियों द्वारा एक देशी कंपनी में कुछ एक तरह से संपत्ति उसे बेच देना। विनिवेश का मतलब यही तो होता है कि आप सोचिए कि जो सरकारी कोई कंपनी है उसकी हिस्सेदारी सरकार के पास है, उस हिस्सेदारी को, कुछ हिस्सेदारी को किसी और को बेच देना। आजकल आप देख रहे होंगे कि काफी समाचारों में छाया हुआ है कि विनिवेश किया जा रहा है कंपनियों का, समझ रहे हैं? तो उसी की बात हो रही है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे विदेशी कंपनी घरेलू देश में नई कंपनी विकसित करती है या अपनी सहायक कंपनी को खोलती है, जिससे दोनों ही नियंत्रण और प्रबंधन बना रहता है, और इसमें निवेशित पूंजी के प्रयोग पर निवेशक का नियंत्रण बना रहता है। और इससे देखेंगे आप लोग कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू देश में भौतिक पूंजी का निर्माण होगा, और जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय और रोजगार पर भी होगा। और प्रत्यक्ष विनियोग दीर्घकालिक स्वभाव के होंगे और इसके साथ पूंजी पलायन का भय नहीं होगा, यानी कि लंबे समय तक विनिवेश। तो इसमें आपका 1-2-3 कथन बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन आप लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 79, यानी कि 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य, किसी मुद्रा करेंसी का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य विश्व बैंक निर्धारित करती है, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होती है, संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होती है,
या संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका तीसरा संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होती है और संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होती है। 3 और 4 बिल्कुल सही है, यानी कि एक तरह से मूल उसका निर्धारण होना है। अभी आप देखेंगे डॉलर से, आप देखें 73-74 रुपये में 1 डॉलर खरीदते हैं, यानी कि हमारे यहाँ की 74 रुपये, और आप देखेंगे कि डॉलर यानी कि अमेरिका की करेंसी के एक करेंसी के बराबर है। समझ रहे हैं आप, समझिए कि एक तरह से आप सोचिए कि आपको अगर 1 किलो चीनी लेनी है, छोड़िए 74 रुपये किलो थोड़ी चीनी है, 74 रुपये किलो क्या चीज है। मान लीजिए आपको दाल लेनी है, 74 रुपये किलो है, तो आपको 74 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 73-74, 73-74, और अमेरिका में आप देखेंगे 1 डॉलर देकर वो लोग खरीद लेंगे। आजादी के समय आप देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, आजादी के बाद हमारी करेंसी गिरना शुरू हुई क्रय शक्ति, और अमेरिका की ताकत हॉट करेंसी। किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य उसकी मांग और पूर्ति की स्वतंत्र क्रियाशील द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं कि डॉलर की मांग सबसे ज्यादा रहती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी लेन देन होता है वो डॉलर के माध्यम से ही तो होता है, इसलिए ज्यादा मांग रहती है उसकी। और बहुत अधिक उतार चढ़ाव लेन देन में मांग पूर्ति को प्रभावित भी करता है। किसी देश का मुद्रा का मूल्य संबंधित सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है, साथ ही आर्थिक संभाव्यता का प्रभाव भी विनिमय दर के निर्धारण पर पड़ता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय मूल्य की गिरावट का कारण कम होती आर्थिक विकास दर है, और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट बढ़ती मुद्रास्फीति, अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता और राजनीतिक अस्थिरता इन करेंसी के गिरने के क्रय शक्ति गिरने के कारण होते हैं। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, 3 और 4 बिल्कुल सही है, 3-4 यानी कि सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 80, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा। सी कह रहा है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। डी कह रहा है सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, लीड बैंक योजना। 1969 में आप देखेंगे रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त नारीमन समिति, इस तरह की जो समितियां बनाई जाती हैं उन्हें भी याद रखा करिएगा, किस समिति का संबंध किससे है, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। तो नारीमन समिति ने बैंकों के लिए क्षेत्रवार दृष्टिकोण स्वीकार किया, और इसे स्वीकार करती हुई 1969 में कि अंत में देश के सभी 300 उस समय जो 380 जिले हुआ करते थे इसे लागू किया था, और जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया गया था, उसे उस जिले में साख व्यवस्था को समन्वित करने के लिए लीडिंग रोल यानी कि अग्रणी भूमिका करने का निर्देश दिया गया था, और सरकार तथा रिजर्व बैंक दोनों ही बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रत्येक जिले में वित्तीय संसाधनों को के गतिशीलन, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में लीड बैंकिंग स्कीम को अधिक महत्व देते हैं, और लगभग सभी जिलों में यह स्कीम लागू है। एक तरह से आप देखिए कि सभी की पहुंच बैंकों तक हो सके, इसी दिशा में आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जनधन योजना खाता लाए थे, स्कीम योजना, जिसमें आपने देखा होगा कि काफी लोगों के खाते भी खुले 0 बैंक बैलेंस पर, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 81, निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित पर क्या करना है, विचार ही करना है साहब, कैसे करोगे विचार। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कह रहा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा कह रहा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी। आप यहां समझिए
अंग्रेजों ने हमसे सब कुछ छीना ही छीना नहीं है, हमें कुछ दिया भी है। वही यहाँ बात की जा रही है कि अंग्रेजों की भारत को देन क्या थी है? इन 3 पॉइंट में से आप लोग बताइए। तो इसमें से आप देखेंगे कोई भी देन नहीं थी, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन रेल हो, डाक सेवा हो, ये देन थी उनकी, समझ रहे हैं? तो इसमें आपके तीनों बिल्कुल गलत हैं। अंग्रेजों ने मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ना करके भूमि के पोत के आकार के अनुसार भू राजस्व प्रणाली विकसित की थी, और इसके प्रमुख रूप जमींदार प्रथा महालबारी प्रणाली विकसित की गई थी। इसके प्रमुख रूप में आप देखेंगे जमींदारी प्रथा, महालबारी प्रणाली, रैयतबाड़ी प्रणाली के आधार पर राजस्व प्रणाली विकसित की गई थी, समझ रहे हैं आप? तो इसमें आपका डी ऑप्शन, कोई भी नहीं। इसमें आप कोई भी नहीं, डी ऑप्शन होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ब्यासी, क्या कह रहा है ब्यासी क्वेश्चंस? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए कौन से कथन सही है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक सैणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनके उनका प्रमुख होता था। दूसरा कथन कह रहा है कि सैनी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों की को सुनिश्चित करती थी। और तीसरा कह रहा है कि सैनी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। बताइए तीन में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक तो दूसरा कथन सही है बिल्कुल, एक तीसरा कथन सही है, पहला आपका बिल्कुल गलत है। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संगठन को ही आप लोग सैणी कहते थे, जिसका प्रमुख सैणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों को सुनिश्चित करती थी, और सैणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था सैणी का। तो 2 और 3 कथन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। 2, 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 83, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? बताइए किस पर आधारित है, क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्लेमिंटो सुधार 1909 का अधिनियम जो था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनमें से बताइए 4 में से कौन सा है? तो याद रखिए भारत सरकार अधिनियम 1945। और आपको बता चुका हूं कि हमारे संविधान पर काफी बड़ी एक तरह से छाप देखी जाएगी, यानी कि प्रभाव देखा जाएगा, किसका? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है? 1909 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट को आप लोग मार्लेमिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये एक्ट पारित हुआ था तब भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी आप देखेंगे कई बार पूछ लिया है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे किसी एक्ट के बारे में पूछे तो याद रखिए 1919 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, जिसे आप लोग मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। अगर आपको वायसराय के बारे में पूछे तो आपको याद रखना चाहिए कि वायसराय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहते हैं, और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव भी आया था, और ये ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और राजाओं द्वारा शासित राज्यों का
संघीय प्रांतीय और संवर्ती सूची शेष शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और इसके तहत आप देखेंगे प्रांतों में द्वंद्व शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी और 1937 में दिल्ली में एक संघीय कोर्ट की स्थापना भी की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे, जैसे आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इन सभी अधिनियमों पर भी मैंने एक क्लास ली हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाकर देखते रहिए, स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस पीसीएस में डली होगी, उनसे आप देखिए आपके जितने भी अधिनियम हैं इनसे क्वेश्चंस आपकी हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चंस आते रहते हैं, समझ रहे हैं। चलिए अगला 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है 84 क्वेश्चन? कोयले की बेहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? इनका कहने का मतलब है क्या है कि हमारे पास कोयले के भंडार भी हैं फिर भी हम कोयला आयात क्यों करते हैं, हम लोग कोयले को खरीदते क्यों हैं, इसकी क्या वजह है, समझ रहे हैं आप लोग? तो क्वेश्चंस अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चंस को आप लोग बड़े 1-2 बार पढ़ लिया करिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? पहला क्या कह रहा है कि भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। दूसरा कह रहा है कि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं, उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। तीसरा कह रहा है कि इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो बताइए इसमें से क्या क्या लगाएंगे आप लोग? इसमें आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही है और तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। भारत में आप देखेंगे व्यापारिक ऊर्जा उपयोग की सर्वाधिक आपूर्ति कोयला से होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हम लोग कोयला से ही प्राप्त करते हैं। कार्बन की मात्रा जिसमें कोयले की गुणवत्ता निश्चित होती है, कार्बन की मात्रा से ही क्वालिटी मालूम चलती है कौन सा कोयला अच्छा है कौन सा कोयला खराब है, और इसके आधार पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। एंथेसाइट जिसमें आप देखेंगे 80-95% आपको कार्बन देखने को मिलेगा। बिटुमिन्स इसमें आप लोग 45-65% कार्बन देखने को मिलेगा। लिग्नाइट जिसे आप लोग भूरा कोयला भी कहते हैं इसमें आप देखेंगे 45-55% आपको कार्बन देखने को मिलेगा। और सबसे घटिया किस्म का कोयला है पीट्स। भारत में गोंडवाना क्षेत्र का कोयला बिटुमिन्स उच्च कोटि का होता है, समझ रहे हैं? और इसमें आप देखेंगे इसके बाद आप लिग्नाइट कोयला का भंडार राजस्थान तमिलनाडु आदि क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। सबसे उत्तम कोटि का कोयला यानी कि एंथेसाइट्स बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे पास जम्मू कश्मीर वाले भाग में देखने को मिलेगा, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला ना होने के कारण भी हम लोग आयात करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, 2 और 3? यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि सही कथन पूछा था इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 85। क्या पूछ रहा है 85? एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारक को पहचान लिया, और अब उसके गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? बताइए, आप देखेंगे गाँव के लोग अभी भी बता देते हैं कितना टाइम हुआ है सूरज भगवान को देखकर। रात में आप देखिए तारे को देखकर वो बता देते हैं कि सुबह होने वाली है या रात के 12 बजे हुए हैं, आप समझ रहे हैं? उनके पास कोई घड़ी नहीं होगी फिर भी आप देखेंगे कि टाइमिंग उनकी लगभग मिलती जुलती रहेगी। तो आप समझिए कि हमारे पूर्वज भी बहुत मतलब होशियार थे, ज्ञानी थे एक तरह से। तो इसमें बताइए कौन सा लगाएंगे आप लोग? ध्रुव तारे की दिशा में चले वो व्यक्ति, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले वो व्यक्ति, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, ध्रुव तारों को अपनी दाईं ओर रखकर चले, बताइए इनमें से। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई दिशा ज्ञान के लिए यंत्र नहीं था,
पर उसने ध्रुव तारा को पहचान लिया और ऐसे में वह अपने गांव पहुंचने के लिए ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चल पड़ा। और आप देखेंगे ध्रुव तारा शाम को पश्चिम की ओर दिखाई देता है और उत्तर की ओर होता हुआ जैसे जैसे सुबह होती है पूरब की ओर बढ़ता रहता है और इसी के आधार पर आप देखिए वो अपने घर तक पहुंच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 86। क्या पूछ रहा है 86 क्वेश्चन? हाल में तथ्यों के एक वर्ग जिसमें दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई, क्यों जताई गई? बताइए क्यों जताई गई? चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया। चीन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक तो आप देखेंगे एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक आपका तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है। इस तत्व को आप देखेंगे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं आप लोग। इसकी कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई, क्यों जताई गई? क्योंकि चीन को इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके द्वारा निर्यात पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिया गया। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। आप सोचिए एक तरह से आपके पास किसी धातु का उत्पादन है सिर्फ आपके पास और उसकी मांग बढ़ जाए और आप उसका निर्यात करना बंद कर दें यानी कि बेचना बंद कर दें तो चिंता का कारण बन ही जाएगा। आप भाव भी खाएंगे कि नहीं हमें इतने महंगे बेचना है। तो यही चाइना ने किया था, समझ रहे हैं? तो याद रखिए इसमें आपका एक और तीन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि क्या लगाओगे आप लोग? ऑप्शन ऑप्शन लगाएंगे सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 87। निम्नलिखित रक्षित क्या कह रहा है? निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर आपको विचार करना है, बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन। उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? तो इसमें आप देखेंगे एक आपका सही है, तीसरा भी सही हो, चौथा भी आपका सही है। क्या है? एक सही है। अगर हम बांदीपुर की बात करें तो 1973 में इसे एक तरह से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ये आपका कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे अगर हम लोग सुंदरबन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सुंदरबन को 1973 में ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा और मानस ये आपका असम में है, 1973 में इसे भी घोषित किया गया था। तो ये एक तीन चार यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है? विचार ही करना है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप लोग लगाएंगे दोनों कथन बिल्कुल सही है आपके। क्या है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। भारतीय जलवायु को केवल एक शब्द मानसून से अभिव्यक्त किया जा सकता है। मानसून शब्द की अगर हम लोग उत्पत्ति की बात करें तो अरबी भाषा का जो शब्द है मौसम, इससे हुई है मानसून की उत्पत्ति। मानसून शब्द की जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु, और मानसून हवाओं का मौसम प्रत्यावर्तन है क्योंकि गर्मी के 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और जाड़े के समय में आप देखेंगे 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर ये चलती हैं। और मानसून दक्षिण पूर्व एशिया की विशेषता है और एक पर्याप्त आर्थिक महत्व भी रखती है। भारत में आप सभी जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक मात्रा में वर्षा भी होती है। और ये आप देखेंगे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक सक्रिय भी होता है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए धीमा पड़ जाता है। इसी प्रकार इसका प्रभाव पूर्वी भारत की तुलना में पश्चिमी भारत में कम देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ आप देखते हैं मानसून, आप लोग कहते हैं मानसून आया हुआ है, बरसात हो रही है, तो यही तो है आपका।
दक्षिण पश्चिम, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 89। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय है, सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, बताइए कौन सी है। वर्ष भर वर्षावन, वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, सी कह रहा है अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, और डी कह रहा है निश्चित निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश विषुवत रेखा घास भूमि या सवाना या शिकार भूमि भी कहते हैं इसे आप लोग। यहाँ गर्मी और जाड़ी की दो स्पष्ट ऋतुएं होती हैं, और यहाँ की मुख्य वनस्पति लंबी लंबी घासें होती हैं, इसे पारिक प्रदेश भी कहते हैं आप लोग। ए प्रमुखता मुख्य आप देखेंगे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 90। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। क्या कह रहा है? अनुमति नहीं है, बताइए अनुमति नहीं है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में, वन्यजीव अभयारण्यों में। तो इस आप देखेंगे वन्य जीव अभयारण्यों में नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों में लोगों के को जीव भार एकत्रित करने उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, जबकि अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्रों में कुछ छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग डी लगाएंगे। भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं है, इसमें आपका बी ऑप्शन होना चाहिए ना, राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं है। बाकी आप देखते हैं कि जो आपके अभ्यारण्य है या जैव आरक्षित क्षेत्र है, इनमें तो आपको कुछ छूट भी दी जाती है ना, कि नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 91। क्या पूछ रहा है 91 वा क्वेश्चन? कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर आपको विचार करना है, चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, उपयुक्त में से कौन से परागणकारी हैं, बताइए इनमें से कौन से हैं, बताइए आप अगर आपको पता हो तो। तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके हैं। ठीक है, क्या है? तीनों आपके हैं, डी ऑप्शन है, परागणकारी तीनों है आपके, चमगादड़ भी है, पक्षी भी है और मधुमक्खी भी है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 92। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटपन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? एक कथन कह रहा है कि महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। भी कह रहा है कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। सी कह रहा है हेम तेंदुआ, अनूप मृग, रिसस बंदर और सारस क्रैन। डी कह रहा है सिंह, पुच्छी, मिकाक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। इनमें से आपको एक बताना है, कौन सा बताओगे, क्या बताओगे, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये आपके संकटपन्न जातियों के संपर्क के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि इनकी सुरक्षा की बात की जाती है कि ये एक तरह से बिल्कुल खत्म ना हो जाए, इसमें आप ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, यह किसी कथ की परिघटना नहीं होती है, तो यदि केसी कथ की परिघटना नहीं होती तो क्या होता, बताओ क्या होता, कोई तूफान आ जाता क्या? तो इसमें पहला कथन कह रहा है कि केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता,
और दूसरा कह रहा है कोई मृदुपेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। तीसरा कह रहा है कि स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। और चौथा कह रहा है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। बताइए इनमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका ए सही, एक कथन बिल्कुल सही है, एक आपका तीसरा बिल्कुल सही है और एक आपका चौथा दूसरा बिल्कुल गलत है। अगर केसीगत सिद्धांत एक तरह से परिघटना ना होती तो आप देखते केसीगत सिद्धांत के अंतर्गत अत्यंत पतली नली को पानी में डूबने पर पानी एक औसत से कुछ ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं केरोसिन दीपक में केरोसिन का निरंतर ऊपर चढ़ना, स्याही शोक पथ का काम करना और पेड़ पौधों में पोषण की क्रिया आदि केसीगत परिघटना पर आधारित होती है। यहां आप लोग सीधा से समझिए, अगर आप लोगों का जीवन मध्यम परिवार में या निम्न स्तरीय परिवार में गुजरा है और आप ग्रामीण क्षेत्र से रहे हैं तो आप सभी लोगों ने एक मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन का एक आप दीपक बनाते थे, एक तरह से आप चिमनी बनाते थे, उसे चिमनी देसी भाषा में कहते थे। उसमें आप देखते थे कि एक बाती लगा देते थे आप लोग, एक बोतल में आप लोग तेल भर देते थे, ऊपर बाती में आप आग लगाते थे और वो तेल ऊपर से चढ़ता जाता था और वो उजाला देता रहता था। तो वो इसी घटना के कारण होती। अगर ये किसी कत की परिघटना ना होती तो आप सोचिए वो दीपक भी ना हमेशा जलता रहता। तो इसमें एक कथन आपका सही है, तीसरा भी कथन सही है और चौथा भी कथन बिल्कुल सही है। 1, 3, 4 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे हमसे पूछ रहा है अगला 94। मिलेनियन इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख के वर्गों का वर्णन करता है, व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन एक संवर्धन सेवा है? बताइए कौन सी संवर्धन सेवा है? खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, पोषक चक्रण और फसल परागण, विविधता अनुरक्षण। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा, पोषण चक्रण, पोषण, पोषक चक्रण और फसल परागण। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 95। एंटीलोपो ऑरिक्स और चेरू के बीच क्या अंतर है? बताइए इसमें क्या लगाओगे? पहला कथन क्या कह रहा है आपसे? एंटीलोपो ऑरिक्स और चेरू के बीच अंतर आपको बताना है। पहला ये कथन कह रहा है कि ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है जबकि चेरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए है। ऑरिक्स का शिकार उसके संभागों क्या कहता है सिंगाभों के लिए किया जाता है जबकि चेरू का शिकार कस्तूरी के लिए। और एक से केवल पश्चिमी भारत में मिलता है जबकि चेरू चेरू केवल उत्तर पूर्व भारत में आपको देखने को मिलेगा। या डी ऑप्शन होगा, इसमें उपयुक्त कथन एबीसी में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और एक से गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है जबकि जो चेरू है ये ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदानों और अर्ध मरुस्थली क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, तो इसमें ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 96। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे वैश्विक तापन बिल्कुल सही कह रहा है, आवास का विखंडन बिल्कुल सही है, विदेशी जाति का संक्रमण 1, 2, 3 बिल्कुल सही रहेगा। इसमें इसमें चौथा गलत रहेगा। ठीक है, आवासों को नष्ट होना और विखंडित होना, गैर स्थानिक जातियों का प्रवेश, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, मिट्टी जल और वातावरण का प्रदूषण
और गहन कृषि और वानिकी, वैश्विक तापन आदि जातियों के विलुप्तिकरण एवं जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं ये। ठीक है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 97, निम्नलिखित पर विचार करना है, काली गर्दन वाला सारस, कृष्ण ग्रीव सारस, चीता, उड़न गिलहरी, कंदली, हिंद तेंदुआ, उपयुक्त में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं? इसमें आप देखेंगे चारों पाए जाते हैं। क्या? चारों पाए जाते हैं आपके भारत में। आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से काली गर्दन वाला सारस चीता भी पाया जाता है, उड़न गिलहरी पाई जाती है, हिंद तेंदुआ, पांडा, लाल गर्दन व सफेद चोंच वाला गिद्ध भी पाया जाता है। समझ रहे हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 98, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, समोच्च बांध, दूसरा कह रहा है अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। इसमें आगे क्या कह रहा है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? बताइए कौन सा सहायक होगा। तो इसमें एक तो आपका समोच्च बांध और अनुपद सस्यन, ये दोनों रहेंगे। क्या रहेंगे? एक तो आपका समोच्च बांध और अनुपद सस्यन वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कार्बन संग्रहण में सहायक होते हैं। एक और दो, एक दो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 99, यदि किसी महासागर का पादप तिलक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पहला कथन कह रहा है कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, दूसरा कह रहा है कि महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तीसरा कह रहा है कि महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। निम्नलिखित कूट के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है, बताइए सही उत्तर कौन सा होगा इसमें। तो इसमें याद रखिए आपका एक सही है और दो सही है, तीसरा आपका बिल्कुल गलत है। यदि किसी महासागर का पादप पिलवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो आप देखेंगे कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और कार्बन सिंक के रूप में महासागर की खाद्य श्रृंखला पर भी आप देखेंगे प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका एक और दो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अंतिम 100 क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम बात थी दिखाई देना, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं, इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है? एक समय आप लोग देखते थे कि आपके आसपास गिद्ध ही गिद्ध दिखाई देते थे, आसमान में उड़ते रहते थे, लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि कभी कभार आपको दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है, यही पूछ रहा है। पहला कथन इसमें कह रहा है कि नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड स्थलों का नाश, दूसरा कह रहा है कि आपसे गौ पशु मालिकों द्वारा रोग पे पशुओं के उपचार हेतु उपयुक्त एक औषधि, सी कह रहा है कि उन्हें मिलने वाला भोजन में आई कमी, और डी कह रहा है उसमें हुआ व्यापक दीर्घ स्थायी तथा घातक रोग। इसमें से कौन सा सही रहेगा? तो इसमें आप देखेंगे गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु उपयुक्त एक औषधि, और आप देखेंगे ये पशु जब मरेगा यानी कि इसकी डेथ होगी, मौत होगी, तो कौन खाएगा? गीदड़। और गीदड़ खाएंगे तो आप सोचिए कि ये जो इसमें ये औषधि या जो उपचार में आप देखते हैं दवाएं, वो नुकसानदायक होती हैं, और उनकी वजह से आप देखेंगे गिद्ध मर जाते हैं और उनकी संख्या घट रही है, यही कारण है। तो चलिए, ये था आपका 2012 का प्रीलिम्स का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, और हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से बात की हुई है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत टाइम भी लगा हुआ है, लेकिन आपके लिए वहाँ 2 घंटे रहता है, इसलिए आप लोगों को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चंस वहाँ, पहले वही करिएगा जो आ रहे हो आपको। चलिए, हम लोग 2013 का यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला पेपर अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, उस पर भी हम लोग इतना ही विस्तार से बात करेंगे।
टाइमिंग लग सकती है, लेकिन देखेंगे आप लोग कि बड़े क्वेश्चंस आप लोग बहुत सारे इससे आपके सॉल्व होने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग, एंजॉय करते रहिए आप।